मेरे को कास्टिंग करना है यार। ओके Alright guys, we are back and this is Round Robin of the Sparks Challenger. Jerry, बताओ क्या हाल है? अभी कौन सा मैप चूज हुआ है और कौन से एजेंट्स? टीम TFL एंड टीम क्लच प्ले कर रही है आज. मैं अभी तो एजेंट सिलेक्ट नहीं हुए हैं, बट देखना रहेगा कि कौन से एजेंट सिलेक्ट होते हैं. और हमारा है एसेंट मैप, और आई थिंक उन्हें एक सेंटिनल, एक स्मोकर, दो ड्यूएलिस्ट और एक कंट्रोलर लेना चाहिए. एंड मैं जैसा देख पा रहा हूँ, क्लच जीनी के पास एक कंट्रोलर है, एक सेंटिनल, एक ड्यूएलिस्ट, बस स्मोकर और एक ड्यूएलिस्ट और दे विल गुड. और ओपनिंग टीम हमारी TFL, उनके पास भी एक ड्यूएलिस्ट है, एक्चुअली दो ड्यूएलिस्ट है, एक सेंटिनल है, एक स्मोकर है. तो कुकी बताओ तुम कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हो फिर आज? There's no support, but I do wish वो टीम्स बहुत अच्छा खेले. टीम TFL खुद बहुत even game play, उनका coordination even है, एंड क्लच जीनी का बहुत ही अच्छा एम है, एम प्लेसमेंट है और कोऑर्डिनेशन. आई थिंक दोनों टीम्स कोऑर्डिनेशन के मामले में बहुत स्ट्रांग है. एंड सिंस एसेंट मैप है, बहुत ही रिलेटिवली अटैकर्स एंड डिफेंडर्स दोनों के बहुत अच्छा मैप है, तो आई थिंक हमें बहुत ही इवन गेम प्ले दोनों टीम से देखने मिल सकता है. लास्ट बार हमने देखा था क्लच जीने का एक जो प्लेयर था वो ऑफलाइन था, बट उसके बावजूद वो मैच जीती थी बहुत बेहतरीन तरीके से. और V5 की सिचुएशन भी वो हैंडल करना अच्छे से जानती है, तो आई थिंक क्लच जीनी जो है वो फुली कोऑर्डिनेटेड टीम है. लेट्स सी TFL क्या करती है. तो जेरी, जैसा हम देख सकते हैं ओरियो की टीम डिफेंडर्स में है, दैट इज आर क्लच जीनी. उन्होंने अब तक के कोई चेंज नहीं किया है क्लासिक से, और शायद हम थोड़ा भी बदलाव देख सकते हैं. डॉक्टर ओरियो इफेक्ट, रीना मॉट्सक्रफ, एंगसू, ये एंगसू नया है बट आई थिंक ये बहुत ही इवन गेम प्ले हमें इनसे देखने मिल सकता है. मैडी निक्स फ्रेगजी ओरिचिमारू और क्रिंस अटैकर्स में है, जो हमारी टीम TFL है. बाय फेज में आई थिंक सिर्फ जेट और रीना ने गोस्ट लिया है, और मैडियन फ्रेगजी ने गोस्ट लिया है, बाकी सब क्लासिक्स पे हैं. राउंड बहुत ही अलग तरीके से भी जा सकता है. जैसा हम देख सकते हैं अटैकर्स ऑलमोस्ट अपनी पोजीशंस रोटेट करके साइड बी की तरफ मुड़ रहे हैं. उन्होंने ए को अबैंडन कर दिया. द प्लान हैज चेंज्ड, व्हाट डू यू से? साइड बी पे शट डाल दिया गया है. साइड बी पे ऑलमोस्ट प्लांटिंग चालू. क्रिसी प्लांट कर रहा है. रीना ने उरिचमार को डाउन कर दिया. मैडी ने एंगसू को, और 3v4 की सिचुएशन हो गई है. मैडी एंड निक्स गार्ड कर रहे हैं एंट्री डिफेंडर्स की साइड बी पे, बहुत मुश्किल. रीना ने एंट्री तो ली, बट मैडी ने रीना को डाउन कर दिया. मॉस्क्रफ ने फ्रेगजी को, 2v2 की सिचुएशन, सिर्फ जेट बटी डिफेंडर्स में. और ये मैरी का क्रॉसर जस्ट जेट के ऊपर, एंड मैरी ने जेट को डाउन किया. अटैकर्स ने राउंड वन जीत लिया. आई थिंक जेरी के ऑडियो में थोड़ी इश्यूज है. एनीवे गाइस, अब आई है सेकेंड राउंड की बारी. जेट ने स्ट्रिंगर पे स्विच कर लिया है. एंगसू ने भी और डॉक्टर ओरियो ने भी, रीना ने भी. मॉस्क्रफ का वेपन चॉइस अभी बाकी है. आई थिंक स्ट्रिंगर्स इज द चॉइस ऑफ दिस राउंड. सारे सभी लोगों ने डिफेंडर्स में स्ट्रिंगर्स चूज किए हैं, और अटैकर्स में आई थिंक लाइट बाय है मैडी के लिए, और बाकी के लिए स्ट्रिंगर्स एंड स्पेक्टर्स. दिस टाइम अटैकर्स ने डिसाइड किया ये शायद पुश करने का. लास्ट टाइम के रोटेशन से शायद इस टाइम वो थोड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं डिफेंडर्स को. क्रिंस ने अंगसू को डाउन कर दिया. रीना ने ओरिचिमारू को, क्रिंस ऑलरेडी प्लांटिंग. आई थिंक मैरी ने जेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रॉस है प्लेसमेंट A1.
इस 3v4 के सिचुएशन डिफेंडर्स में फिर 3 बचे, बट मॉस्कर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैरी को डाउन किया और फ्रैगजी को 3v2 के 3v1 की सिचुएशन आ गई, सिर्फ निक्स बचा अटैकर्स में और स्पाइक कर रही है रेना डिफ्यूज। I don't think attackers के पास अब any option are left, but Nyx ने Doctor Rio को down करने की बहुत अच्छे से कोशिश की, down तो कर दिया, but defenders ने round जीत लिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से both attackers and defenders clutch, Genie and Tiffle ने बहुत अच्छा gameplay दिखाया, quick rotations, quick decision making, that works out very well. Defenders ने बहुत ही अच्छे से defend किया और attackers ने try तो बहुत अच्छा किया, but I think crosshair placement के मामले में Maddie ने तो बहुत ही even gameplay दिखा। इस बार शायद team attackers के लिए heavy shield और heavy buy बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। Even defenders में भी vandals का play आ गया है। क्या हो सकता है इसका आउटकम? कुछ भी हो सकता है मैं, क्योंकि जैसे कि हमने कहा, हमने देखा है हर बार के लोग 1v5 भी कर देते हैं प्लेयर्स, एंड अभी हम देख पा रहे हैं कि दोनों टीम के जो टॉप प्लेयर्स हैं अभी अलाइव, तो लेट्स सी क्या होता है। डॉक्टर ओरियो ने बहुत ही अच्छे से गार्ड पे खड़ी है साइड बी पे, एंट्री तो मिलना बहुत मुश्किल है अटैकर्स के लिए, 2v4 की सिचुएशन है, बट निक्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीना को डाउन कर दिया। टॉप फ्रैगर्स राउंड छोड़ चुके हैं, लेट्स सी मे बी अटैकर साइड से जो सेज है वो ऑफलाइन है, मे बी दैट्स व्हाई। ओ बहुत बेहतरीन निकला क्रॉस है प्लेसमेंट, क्या हेडशॉट दिया है जेट को। ओ एंक्सू ने निक्स को डाउन करके डिफेंडर्स के लिए ये राउंड जीत लिया। जेरी हम राउंड 4 पे पहुंच चुके हैं, अब आ गई है हैवी शील्ड एंड हैवी बाय, तो तुम्हें क्या लगता है टॉप फ्रैगर इस राउंड में कौन हो सकता है, क्योंकि बोथ रेना एंड मैडी आर ऑन 5-5 इन बोथ देयर टीम्स, अटैकर्स एंड डिफेंडर्स में दोनों टॉप फ्रैगर्स 5-5 किल्स पे बैठे हुए हैं। मे बी अब शायद फ्रैक्स कुछ करे, बट देखने पे ऐसा लग रहा है कि सामने वाली टीम जो अटैकिंग टीम है इको पे जा रही है, उनकी तरफ से सिर्फ एक ही प्लेयर जिसने बाय किया है वो है निक्स, तो मे बी वो ज्यादा फ्रैग्स ले क्योंकि उनके पास गन भी अच्छी है। निक्स ने पहले दो राउंड में वो बहुत बहुत ही अच्छे से होल्ड करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट प्लेयर बच रहे थे, तो राउंड निकालना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था उनके लिए, इसलिए डिफेंडर्स ने एक और राउंड अपने नाम कर लिया था। Yes, क्योंकि जो लास्ट प्लेयर बचता है उसमें प्रेशर भी ज्यादा होता है, क्योंकि 1v5 के अगर सिचुएशन होती है तो प्लेयर कहां कहां देखे। फ्रैगजी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओरियो को डाउन किया, मैडी अपना ब्लेड स्टॉर्म निकाल के एकदम फिराक में है कि कब कोई प्लेयर उसके सामने आए, पट से हेडशॉट पड़ेगा उसे। बट आई थिंक मैडी रेना ओरिचो मारियो और देखिए मैडी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेना को डाउन कर दिया। 2v4 की सिचुएशन एंड मैडी ने अंशु को डाउन किया, इट्स 4v1, डिफेंडर्स में एक ही बचा है, अटैकर शायद ये राउंड ले जाएं। या मैडी जो है अपने ब्लेड स्टॉर्म का बखूबी यूज करते हुए है। मे बी जो लास्ट प्लेयर है उसका किल भी मैडी ही लेंगे, बिकॉज ओ ओ बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी, मैडी को मॉस्क्रॉफ्ट ने कोशिश की मारने की, बट मैडी ने मॉस्क्रॉफ्ट को डाउन कर दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं अब आई है फुल शील्ड और फुल वेपन हैवी वेपन की, अब अटैकर्स ने शायद पूरा डिसाइड कर लिया कि नो, उन्होंने बहुत अच्छे से सेव किया था लास्ट राउंड लाइट शील्ड और नाइट बाई के साथ, बट अब आई है पूरे फुल बाई की उनकी, जो शायद ये गेम में टर्न अराउंड कर सकती है, क्यों जोकर जेरी? दोनों तरफ से फोर्स बाय है, लेट्स सी, बट जैसा मैं देख पा रहा हूं डिफेंडिंग टीम के रेना ने खुद भी बाय नहीं किया अभी तक, आई डोंट नो व्हाई, या उन्होंने अब बाय किया है स्पेक्टर।
पे शाउट आउट है, ये जोकर कहाँ पे है कमेंट्री में? जोकर भी आएगा, अभी तो जेरी और मैट को की है, गाइस जस्ट वेट फॉर इट, आई थिंक ये राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टू पॉइंट्स दोनों टीम्स ने ले लिए हैं और ये राउंड डिसाइड कर सकता है कि क्या हो सकता है आउटकम इस गेम का। रीना ने ओमेन को स्पॉट तो कर लिया, बहुत मुश्किल है पर डिफेंडर्स को वो पोजीशन से किल ले पाना, अनलेस बहुत ही अच्छा ब्लाइंड का ऑप्शन, बट पैरानोया तो ओमेन की तरफ से भी आ गया, बट मॉर्ट्स क्लब ने स्पॉट तो कर लिया ओमेन को और ये ओरिचिमारी डाउन। 5v2 की सिचुएशन आ गई है, अटैकर्स में दो ही बचे हैं, निक्स ले रहा है साइड एंट्री, बट क्रिंसी के ओरियो को मारने के बावजूद जेट ने क्रिंसी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रॉस प्लेसमेंट से डाउन तो कर दिया। अब निक्स किल ले पाता है कि नहीं, ये बहुत टफ हो जा रहा है उसके लिए, वो बेचारा आखिरी ही बच रहा है और जेट ने निक्स को डाउन करके डिफेंडर्स के लिए राउंड जीत दिया। आई थिंक निक्स के साथ टीम अबैंडनमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, सारी टीम खत्म होने के बाद बेचारा वही एंड में बच रहा है, जिसकी वजह से उसे किल लेने में बहुत दिक्कत हो जा रही है। क्यों जेट? That's why वो अकेला बच रहा है, या तो फिर वो backstep खेल रहा है पीछे से ताकि control करके मतलब बता सके, position reveals कर सके, तभी वो आखिरी में बच पा रहा है, वरना अगर वो front पे होता तो maybe वो भी dead हो जाता। operator जेरी operator आया है, फ्लेक्सी ने इस बार operator लिया है बहुत अच्छा से, और अब operator तुम्हें क्या लगता है, since operator है mid peak करके kills लेना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है ascent map में, ये advantage तो हो जाता है। बट आई थिंक अगर आपने फर्स्ट शॉट ऑपरेटर का अगर मिस कर दिया तो ओपोनेंट टीम को पता चल जाता है कि सामने से ऑपरेटर चल रही है और हमें पीक नहीं लेना है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, तो हमें फर्स्ट शॉट कनेक्ट करना भी जरूरी होता है ऑपरेटर का, बहुत जरूरी। और अगर आपका ऑपरेटर लॉस हो जाता है, आप मर जाते हो और वो ऑपरेटर ऑपोजिट पार्टी को चले जाता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके लिए फिर ये बहुत टफ सिचुएशन हो सकती है गेम प्ले को स्टेबल बनाने के लिए। यस, पर जेरी एक बात ये भी है, ऑपरेटर का खौफ आपकी टीम को हेल्प करता है मिड पुश करने के लिए, लोग पीक नहीं करते हैं एंड यू कैन इजीली पुश मिड। या बट कभी-कभी डिसएडवांटेज भी आता है, बिकॉज़ प्लेयर जो है पीक ना करके कैंप करने में ज्यादा यकीन करता है बिकॉज़ ऑफ ऑपरेटर, और उस चक्कर हमारी टीम पर लॉस भी हो सकता है। जैसे मॉर्ट्स क्रफ ऑलमोस्ट लुकआउट पे है कि कब कोई टीम मिड से पुश करे एंड ही कैन किल हिम, और ये अंशु ने निक्स को डाउन कर दिया, बट क्रिंजी ने रीना को फ्रैक्सी ने रीना को डाउन कर दिया। अटैकर्स पहुंच गए साइट ए पे, प्लांटिंग चालू, एंड आई थिंक क्रिंस ही इस बार प्लांटिंग कर रहा है, सारे प्लांट्स उसी ने किए हैं, बिकॉज़ और मिलने से सबसे ज्यादा फायदा सेज को हो जाता है। 3v1 की सिचुएशन बहुत टफ डिफेंडर्स के लिए, एंड डॉक्टर ओरियो ने फ्रैक्सी को स्पॉट करके किल ले लिया, इट्स 2v1, बट आई थिंक डॉक्टर ओरियो की लोकेशन पता चल गई और मैडी ने ओरियो को बहुत ही बेहतरीन क्रॉसहेयर प्लेसमेंट। जेरी डिड यू नोटिस द क्रॉसहेयर प्लेसमेंट? क्रॉसहेयर प्लेसमेंट दोनों ही टीम का बढ़िया है एक्चुअल में देखा जाए तो, दोनों ही टीम बखूबी यूज कर रही है अपने एम का। Thank you, Tactic Preview, for the comment. Thank you so much. I hope you're enjoying the stream. और अब आई है फुल बाय, फिर से फ्रैक्सी के पास अभी भी ऑपरेटर बची है, लास्ट राउंड जीतने से उन्हें थोड़ा फायदा हुआ, गेम बहुत ही नेक टू नेक चल रहा है, मैडी टॉप फ्रैगिंग में है ऑल ओवर क्योंकि उसके है 11 किल्स, रीना स्ट्रिंगर पे है जो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट प्ले हो सकता है, बट सिंस कैंपिंग की सिचुएशन है अभी क्योंकि वो डिफेंडिंग में है, तो I think it will work out. चेरी तुम्हारा क्या कहना है? Yes, attacking team का भी एक player down हो चुका है जो कि overpick के कारण ही down हुआ है। और इचिमारी का down होना, Omen का smokes गायब होना बहुत tough हो सकता है क्योंकि smokes बहुत फायदेमंद होते हैं side push करने में। खास तौर पर B side पर, because वहाँ पे एक sentinel play कर रहा है and वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है उस चीज़। और defenders की तरफ से smoke तो आ गया पर Prince का बहुत ही अच्छा वॉल था, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ओरियन ने उसे स्पॉट करके डाउन कर दिया।
मैडी ने बहुत ही अच्छे से रेना को डाउन, ये स्पाइक प्लांट एंड लास्ट प्लेयर लेफ्ट। ओ बहुत ही अच्छा किल, बट जेट ने मैडी को डाउन करके आई थिंक डिफेंडर्स को चार्ज दे दिया। डॉक्टर ओरियो ऑलमोस्ट डिफ्यूजिंग द स्पाइक एंड ये राउंड उनका। बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन जेरी, बहुत ही इवन कोऑर्डिनेशन। डिस्पाइट साइड पुश हो चुका था, डिफेंडर्स ने रीटेक बहुत इवन किया। मेबी अब फ्रेक्सी को मेडी का थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए रश करने में, बिकॉज मेडी फुल पावर से खेल रहा है, ओपनिंग्स निकाल रहा है, बट स्पाइक वो होल्ड नहीं कर पा रहे प्लांट करने के बाद। बहुत ही इस बार अटैकर्स में थोड़ा सा सेविंग है क्योंकि निक्स स्पेक्टर पे है, ओरिचिमारो स्ट्रिंगर पे, लाइट शील्ड दोनों की है और ये अटैकर्स के लिए थोड़ा ट्रबलसम हो सकता है क्योंकि पूरे डिफेंडर्स हैवी शील्ड और हैवी बाइस पे एक्सेप्ट ऑटो रियो जो लाइट शील्ड पे। जेरी क्या गेम प्ले डिफेंडर्स को जा सकता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे वेपन्स के साथ डिफेंड करने वाले हैं और अटैकर्स में थोड़ी सिचुएशन वीक है। जैसे मैंने कहा फ्रेक्सी स्टार्ट हो गया, ओपनिंग उसने दिला दी है और निक्स ऑलरेडी प्लांटिंग 3v2 की सिचुएशन है। One enemy remaining. Oh, 3v1 की सिचुएशन, सिर्फ ब्रिमस्टोन बचा। मॉडस्क्राफ्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैडी को डाउन कर दिया 2v1 की सिचुएशन। और अगर ये स्पॉट हो गया तो या तो रेना इसे डाउन करेगी या तो मॉडस्क्राफ्ट पहले डाउन होगा। ओ फ्रेक्सी ने बहुत ही पहले जल्दी से मॉडस्क्राफ्ट को डाउन कर दिया बिफोर वो डोर तोड़ पाते। या फ्रेक्सी फुल होल्ड कर रहा था, उसे पता था अगर वो ऊपर आएगा तो भी उसे मरना है और अगर वो डोर तोड़ेगा तो भी उसे मरना है। ये तो पूरी नेक टू नेक की सिचुएशन जा रही है, बॉटल नेकिंग है, मतलब 4-4 की सिचुएशन। गेम कभी अटैकर्स जीत रही है कभी डिफेंडर्स, बहुत ही टफ राउंड हो सकता है। एक भी राउंड अगर किसी ने लूज किया और किसी ने भी एक पॉइंट ज्यादा ले लिया तो वो गैप दोनों मार्जिन कवर करना दोनों टीम्स के लिए या तो डिफिकल्ट हो सकता है या तो इजी हो सकता है। आई थिंक क्लच जीनी की जो अटैकिंग साइड होगी वो ज्यादा अच्छी होगी डिफेंडिंग साइड के मुकाबले, क्योंकि जो ओपोनेंट टीम है टीएफएल उनके पास जो सेंटिनल है वो है सेज, बट सेज के पास ने ओरियो को स्पॉट करके डाउन कर दिया। डिफेंडर्स 3 ही बचे हैं, अटैकर्स अभी भी 5। अटैकर्स ने एंट्री ली साइड बी पे फुल, अब हो गया प्लांट और ये बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है डिफेंडर्स के लिए रीटेक करना क्योंकि एंगल्स लेके ऑलमोस्ट सारी टीम अब बैठने वाली है अटैकर्स की और एंट्री डिफेंडर्स के लिए बहुत ही टफ करने वाली है। और भी तरीका सिचुएशन है, अटैकर्स ने पूरी साइड होल्ड कर रखी है और ये आया हंटर्स फ्यूरी। ओ, बहुत ही अच्छे तरीके से जेट ने निक्स को डाउन किया बट फ्रेक्सी ने जेट को डाउन किया। 1v2 की सिचुएशन, 1v1 की सिचुएशन बट नहीं सॉर्ड और शील्ड बन के सेज ने क्रिंसी ने अटैकर्स को ये राउंड जिता दिया। बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले क्रिंसी। अब प्रिंस का गेम प्ले देख के तो बहुत ही फायदेमंद हो गया क्योंकि अब अटैकर्स ने 5 राउंड जीत लिए हैं, डिफेंडर्स अभी भी 4 पे हैं। मैडी विद 15 किल्स टॉप फ्रैगिंग और जेट, दोनों जेट एक्चुअली टॉप फ्रैगर्स हैं अपनी अपनी टीम में। जेट इन डिफेंडर्स इज ऑन 12 एंड मैडी इज जेट ऑन अटैकर्स विद 15 किल्स। कि क्या कहना है कि टीएफएल के पास एक भी साइफर या फिर किल जो है नहीं है तो क्या वो डिफेंडिंग अच्छे से कर पाएंगे? डिफेंड उनके लिए बहुत ही टफ साबित हो सकता है बट सिंस उनके पास सेज है तो शायद थोड़ा बेनिफिशियल हो जाए। ओमेन के स्मोक उनको बेनिफिट कर दे, सोवा का रिकॉर्ड डार्ट उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो हाँ हो सकता है कि वो डिफेंड भी बेहतरीन तरीके से कर पाए क्योंकि उनका गेम प्ले वेल कोऑर्डिनेटेड है एंड अगर वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्ले करें तो शायद डिफेंडर्स में भी वो बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले दिखा सके।
शायद सेज जो है वो मिड वॉल करके मिड से पुश रोक सकती है, बट यहाँ पे क्रिंजी के थ्रू मेडी को वापस रिवाइव कर दिया गया है, तो 5v5 की सिचुएशन अगेन बन गई है। व्हाट यू से कुकी, कौन लेके जाएगा ये राउंड? डिफेंडर्स अटैकर्स दोनों ही बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, बट आई थिंक डिफेंडर्स के लिए ये टफ हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही लाइट बाय पे है, जैसे तुम देख सकते हो स्पेक्टर्स में है और स्ट्रिंगर्स पे, और अटैकर्स सारे हैवी शील्ड एंड हैवी बाय पे, जो उनके लिए पुश में हेल्प कर सकता है। और देख सकते हैं जैसे कि हम ए साइड पे ऑलमोस्ट पुश हो गया है, ओरिचे मारू कर रहा है इस बार प्लांट, 3v4 की सिचुएशन, स्पाइक प्लांट के बाद स्मोक्स होने के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है साइट को रीटेक करना, बट शायद थोड़ा डिफरेंट गेम प्ले देखने मिल सकता है। मैडी ने डॉक्टर ओरियो को और मॉर्ट्स ने मैडी को डाउन कर दिया, सिंस मैडी इज डाउन डिफेंडर्स के लिए थोड़ा इजी हो सकता है पुश करना अब अटैकर्स पे, क्यों जेरी? यस 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 बिल्कुल सही बोल रहा हूं, बट ये क्या बनी हुई सिचुएशन, स्पेक्टर अगेंस्ट फैंटम, आई थिंक सोवा बस टाइम ले रहा था ताकि वो निक्स को डाउन कर सके और स्पाइक को डिफ्यूज होने से बिल्कुल रोक दिया उसने, बहुत ही अच्छा गेम प्ले। हाल फिलहाल देखा जाए तो अटैकिंग टीम जो है वो भारी पड़ रही है डिफेंडिंग टीम पे, बहुत ही भारी। और आई थिंक डिफेंडर्स का एक इशू ये भी आ गया कि उनके पास इकोनॉमी अब इतनी डाउन हो गई है कि उन्हें स्पेक्टर से काम चलाना पड़ रहा है, जो अटैकर्स के लिए फायदेमंद हो रहा है क्योंकि वो हैवी शील्ड और हैवी बाइप है, और सिंस मैडी ने अब ऑपरेटर ले लिया बहुत मुश्किल हो सकता है डिफेंडर्स के लिए। यस, बैक टू बैक टू सॉफ्ट बाय डिफेंडिंग टीम के लिए मुश्किल रहे हैं क्योंकि दोनों ही राउंड उनके सॉफ्ट बाय के कारण चले गए, अटैकिंग टीम जो उनके पास फुल बाय है फोर्स फुली वो बाय करके अटैक कर सकती है तो बेनिफिट तो ये है ही। अगर गलती से भी कोई मैडी के क्रॉस हेयर में आ गया ऑपरेटर से उसको हेडशॉट पड़ गया तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है डिफेंडर्स टीम के लिए एक भी एजेंट का इस इनिशियल अभी इस राउंड को में खोना। फ्रैक्सी ने रेना को डाउन कर दिया, मॉट्सक्रफ ने फ्रैक्सी को, निक्स ने जेट को, 2v4 की सिचुएशन, डिफेंडर्स में दो बचे और अटैकर्स में अब तीन। ये ब्लेड स्टॉर्म बाहर आया मैडी का एंड मॉट्सक्रफ इज डाउन, मैडी का ब्लेड स्टॉर्म बहुत डेंजरस हो सकता है, हो जाता है। ओरिचिमारू प्लांट कर रहे हैं, अब सिर्फ सोवा बचा है, या तो वो ये राउंड सेव करेंगे। मैडी के क्रॉस हेयर में आके ब्लेड स्टॉर्म से झटका खा के वो डाउन हो गए, झटका खा के वो डाउन हो गए। जेरी जैसे देख सकते हो डिफेंडर्स में 4 राउंड ही है अभी और अटैकर्स ने ये गैप बढ़ा दिया, 7 राउंड जीत के उन्होंने 3 राउंड से अपने ये गैप को जो इंक्रीज किया है, बहुत मुश्किल हो सकता है डिफेंडर्स को ये कवर करना, या बहुत ज्यादा मुश्किल होगा एक्चुअल में क्योंकि उनके पास अब कुछ खास है नहीं, उनके टीम देखी जाए तो उनकी टीम डिफेंडिंग टीम है एक्चुअल में। ओ जेट ने मैडी को डाउन कर दिया, ये राउंड शायद डिफेंडर्स नहीं लेने देंगे अब, उन्होंने कहा करें मैडी को डाउन उसके बाद देखा जाएगा गेम, सब कुछ फ्रेंजी के ऊपर है, वो अकेला ड्यूलिस्ट है, टीम से उसे ओपनिंग निकालनी पड़ेगी ताकि साइड में एंट्री करके प्लांट करते, बट साइफर के केज ने उसे स्पीड तो लेने नहीं दिया है। या यही फायदा होता है किलजो एंड साइफर के कि आप एक पूरी साइड अकेले, ऑलमोस्ट होप पे है कि वो किसी को स्पॉट कर ले वॉल से बिफोर द वॉल ब्रेक्स, एंड उसके लिए थोड़ा अनलकी क्योंकि जेट ने उसे स्पॉट कर लिया पहले। 5v4 की सिचुएशन, अटैकर्स में इस बार 4 एजेंट्स ही लेफ्ट, तो जेरी क्या हो सकता है आउटकम इस गेम का? एटलीस्ट जेट ने क्रिंस को डाउन कर दिया, ओरियो ने ओरिचिमारू को, 5v2 की सिचुएशन, डिफेंडर्स ने तय कर लिया है नहीं तो देने देंगे ये राउंड इस बार, और फ्लॉलेस गेम प्ले, मॉट्सक्रफ ने निक्स को डाउन करके बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाया। आई थिंक मैडी के डाउन होने से डिफेंडर्स को बहुत फायदा हो गया क्योंकि मैडी वाज अ टॉप फ्रैगर एंड वो ही बहुत मैक्सिमम किल्स निकाल रहा था। यस, वो ही ओपनिंग एक्चुअल में करवा रहा था क्योंकि उसका जो एम प्लेसमेंट है उसको, उसका गेम सेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, दैट्स व्हाई उसको पता होता है कि कहां पे उसे एम बनाना है, कहां पे उसे बंदा मिलेगा। बट लेट्स सी, बहुत बढ़िया राउंड रहा टीएफएल के थ्रू।
अब क्लच जीनिंग क्या करती है देखना रहेगा। ये बात तो है। डॉक्टर ओरियो अब अटैक के पोजीशन में। टेक पॉज, इट्स अ पॉज। गेम में थोड़ा पॉज आया है, गेम प्ले जस्ट रिज्यूम होगा। चलिए तुम्हारा क्या कहना है, इस बार क्या अटैकर्स वापस से वही गेम प्ले दिखा सकती है जो अभी लास्ट राउंड में दिखाया था? यही तो देखना रहेगा क्योंकि क्योंकि फर्स्ट राउंड के हिसाब से हम बता पाएंगे कि अटैकिंग टीम कितनी अच्छी है अटैक करने में एंड डिफेंडिंग टीम कितनी अच्छी है डिफेंस में। बेहतरीन हाफ था। अब देख सकते हैं कि फुल जब ये राउंड खत्म होगा तो क्या गेम प्ले हो सकता है। मैडी का इस बार डिफेंड में होना क्या फायदेमंद उसी तरीके से होगा जैसा अटैक में था। एंड द मैच हैज रिज्यूम्ड गाइस। क्रिंज ने बॉल कर दिया है साइड बी को। सेज का वॉर बहुत ही फायदेमंद हो सकता है साइड बी पे एंट्री रोकने के लिए। अटैकर्स ने डिसाइड किया है कि साइड बी पे जाना बहुत ही senseless होगा इस round। I think they are pushing A. Yeah, they are pushing A. ओ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से Faxi ने Jet को करा, पर पूरी टीम के वहां होने से उनके लिए इश्यू अकर हो गया, उन्हें डाउन कर दिया गया। बट 4v4 की सिचुएशन है, Jet और Reyna आर डाउन, Jet ऑन द अटैकर साइड एंड Reyna ऑन द डिफेंडर। ओरिचिमारी ने अंशु को डाउन कर दिया, मैडी ने रीना को। मैडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफेंड कर रहे हैं साइड ए पे, एंट्री लेना बहुत मुश्किल कर दे रहे हैं साइफर और ब्रिमस्टोन का। टू वी थ्री का सिचुएशन है एंड अटैकर्स के पास सिर्फ एक क्लासिक और एक गोस्ट है। लेट्स सी 30 सेकंड्स लेफ्ट। तुम्हें क्या लगना चाहिए 30 सेकंड्स लेफ्ट? अब रोटेशन बहुत ही मुश्किल हो सकता है उनके लिए। I think side या तो A entry लेनी पड़ेगी या तो kills के लिए। यही हो पाएगा actually में, rotation is impossible क्योंकि rotation अगर वो करते हैं तो वो time के कारण मार खा जाएंगे। But यहाँ पे 1v3 की situation Dr. Audio के लिए बहुत ही tough situation आ गई है। 10 seconds left। तीनों अब peak करने के लिए एकदम, और Dr. Audio ने Mary को down कर दिया। अगर वो Nyx को down कर देते बहुत ही बेहतरीन तरीका। 1v1 की situation पर defenders ने round जीत लिया। Unfortunately क्लच जीनी के अटैकर्स होने पे उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैडी उनके लिए रुकावट बन रहा है। मैडी बहुत ही एवन फ्रैग्स दे रहा है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जा रहा है अटैकर्स के लिए साइड एंट्रीज लेना। ओ, 2v4 की सिचुएशन, अटैकर्स में 1 लेफ्ट एंड 3 ऑन द डिफेंडर्स। आखिरी बचे हैं बट उन्हें बैडी ने उन्हें डाउन कर दिया। डिफेंडर्स ये राउंड जीत गए, बहुत ही क्विक गेम प्ले था। बॉल तोड़ने के बाद भी साइड बी एंट्री लेने के बाद अटैकर बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले दिखाया है, पर डिफेंडर्स ने उन्हें कॉर्नर कर दिया था बहुत ही बुरी तरीके से। ये राउंड अटैकर्स के लिए भारी पड़ा बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा फास्ट पुश करा लाइट बाय करके और उन्हें नहीं पता था कि सारे प्लेयर्स ऑलरेडी बी साइड पे है और वो राउंड उन्हें बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा। एंड मैडी भी इतना क्विक रोटेशन,
बहुत ही क्विक रोटेशन के थ्रू जो क्विक रोटेशन हुआ बैक स्टेप के लिए वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। आई थिंक सोवा का रेकन डॉट बहुत ही टफ पड़ जाता है क्योंकि वंस पीपल नो कि आप उस साइड में पुश करने वाले हो सारी रोटेशंस क्विक हो जाती हैं एंड ये डिफिकल्ट हो जाता है अटैकर्स के लिए साइड स्विच करना। मैडी ने रेना को डाउन कर दिया। मॉट्सक्रफ होप कर रहे हैं कि वो किसी को कैटवॉक से आउट कर दें और ये मॉट्सक्रफ ने मैडी को डाउन कर दिया। निक्स ने जेट को 2v4 की सिचुएशन ट्रैक्सी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जज का गेम प्ले दिखाया और निक्स ने डॉक्टर ओरियो को डाउन करके डिफेंडर्स ने राउंड जीत लिया। मेडी का जो गेम प्ले है वो लाइक कि वो उसका काम ही उसका ये है कि या तो वो पीक्स लेगा या जो टीम है उसका टाइम लेगा। अगर आप नोटिस करो तो वो टीम को पूरा होल्ड करवा देता है। टीम ना पुश कर पाती है ना पीछे बैक स्टेप कर पाती है। वो पूरा टाइम टीम का ले लेता है एंड उस चक्कर में टीम के पास टाइम नहीं होता और प्रेशर में टीम गलतियां कर देती है। जेरी कमेंट्स में आ रहा है कि डिसीजन मेकिंग वाजंट गुड, तो तुम्हें क्या लगता है क्या एजेंट डिसीजन मेकिंग या वेपन चॉइस क्या इफेक्ट कर रहा है इस गेम प्ले को? I think Paramelium जो कहना चाह रहे हैं वो मैं ही कह रहा हूँ कि जो अटैकिंग टीम है वो उन्हें थोड़ा स्प्लिट में मे बी अटैक करना चाहिए क्योंकि सारी टीम जो एक साइड से कर रही है तो मैडी को भी अच्छा एक बेनिफिट हो रहा है कि वो टीम को होल्ड करवा रहा है। सो आई थिंक Paramelium जो है वो राइट बोल रहा है कि ना तो डिसीजन मेकिंग जो है वो अटैकिंग टीम की थोड़ी सी वीक पड़ रही है कंपेयरिंग टू डिफेंडिंग टीम। चेरी शायद स्प्लिट खेलने की तैयारी क्योंकि जेट साइड बी पुश कर रहे हैं बाकी साइड ए। जेट ने जो सेज को है वो होल्ड करवा के रखा हुआ है बी साइड पे एंड मिड में हमारे ब्रिम जो है वो देख रहे हैं कि कोई बैक स्टेप ना करे। सो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। शायद अटैकर्स ने अपना गेम प्ले थोड़ा चेंज किया है होपफुली वो राउंड जीत जाए क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की है। जेट बहुत ही स्लोली साइड बी पुश तो कर रहे हैं होपफुली एंड जेट ने क्रिंस को स्पॉट करके उन्हें डाउन कर दिया। 30 सेकंड्स लेफ्ट डिफेंडर्स चार बचे बट मैडी ने मॉट्सक्रफ को डाउन करके 4v3 की सिचुएशन ले आई है। मैडी ने रेना को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑपरेटर से डाउन कर दिया। 3v4 की सिचुएशन अटैकर 4 पे बट डॉक्टर ओरियो ऑलमोस्ट प्लांटिंग ऑन साइड बी। Spike is planted. Maddie का blades from बाहर. Attackers के लिए tough play, but Dr. Odie ने बहुत ही शानदार तरीके से Maddie को down किया. 1v1, Sova versus Sova. And it's a clutch. Angsu ने Nyx को down कर दिया और Attackers ने ये round जीत लिया. एक्चुअल में 4v2 का सिचुएशन था और जो ओमेन था डिफेंडिंग टीम का उसने अपने ही सोवा को ब्लाइंड कर दिया जो कि नॉट सो गुड था। आई थिंक ओरिचिकारू को बहुत सुनने को मिलेगा क्यों किया मुझे ब्लाइंड तूने। हां बिल्कुल जो सुनने को मिलेगा एंड अच्छा रहा उन्होंने इस बार स्प्लिट परफॉर्म किया जो कि उनके हक में रहा एंड जो जेट थी वो उसने पूरा बी साइड कंट्रोल ले लिया था एंड आई थिंक समटाइम्स जेरी राउंड थ्रो इसलिए हो जाता है क्योंकि टाइम लग जाता है गेम प्ले अंडरस्टैंड करने में। अटैकर्स ने फाइनली अंडरस्टैंड कर लिया कि उन्हें पुश कैसे करना है। स्प्लिट वुड वर्क बेटर देन पुशिंग क्योंकि मैडी को हील मिल चुकी है। मैडी जो है वो टीम का एक्चुअल में हार्ट है। अगर वो मर जाता है तो टीम भी मर जाती है एक टाइप से आप अगर नोटिस करो तो क्योंकि वो टीम के लिए सब कुछ वही कर रहा है देखा जाए तो। बहुत सही कहा 27 किल्स पे मैडी है। इमेजिन करो जेरी 27 किल्स मैटर्स अ हेल लॉट। सोवा ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना आउटराउंड भेज करके चेक तो कर लिया हेल में कोई है तो नहीं बट क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा हेवन पे एक लर्क कर रहा है। ओरियो ने ओरिचिमारू को डाउन कर दिया। 3v2 की सिचुएशन मैडी एंड सोवा लेफ्ट। मैडी और निक्स बहुत अच्छा गेम प्ले दिखा सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं दोनों गेम प्ले दिखाने में बट अंगसु ने मैडी को डाउन कर दिया। इट्स 3v1 अटैक शायद जीत जाए राउंड। जेरी क्या कह रहे हो?
इट्स प्रोबेबली ये जो राउंड है बॉल टैकर्स के लिए ठीक है। निक्स कोशिश कर रहा है साइड ए पुश करने में के लिए, उसे पता तो चल गया प्लेयर्स कहाँ है, बट क्रॉस हेयर अगर सही प्लेस नहीं हुआ तो सबसे पहले वो ही निशाना हो सकते हैं। ओ निक्स ने ओरियो को बहुत ही अच्छे तरीके से मारा, बट एंक्सु ने निक्स को डाउन करके अटैकर्स को ये राउंड जितवा दिया। अटैकर्स वो गैप कवर करने हैं जो उन जो डिफेंडर्स ने कर दिया था उनके लिए। आई थिंक 7 points ले लेना इनिशियली इतने गैप के बाद बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले की सबूत है, क्यों जेरी? यस, अब शायद जो डिफेंडिंग टीम है उनका इको खराब कर दिया है टेकिंग टीम ने, उन्हें लाइट बाय पे जाना पड़ रहा है, बट जो टॉप फ्रेगर है वो फुल फोर्स बाय पे है, उनके पास फुल ऑफ इको है, उनके पास क्रेट्स। अटैकर्स शायद टफ हो सकता है क्योंकि जस्ट स्पेक्टर और स्ट्रिंगर को अगेंस्ट वैंडल बहुत टफ हो सकता है अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही क्लोज रेंज में शूट करे। जज अगर हम देखें तो हमारे फैक्ट ही है उनके पास है जज, और हमने लास्ट जो टूर्नामेंट के जो मैचेस हुए थे उनमें हमने देखा था जज का बखूबी यूज, बहुत ही बेहतरीन, मतलब हेडशॉट पे हेडशॉट जेरी, हेडशॉट पे हेडशॉट। जज एक लाइक एसी गन है, अगर आप कैम करते हो और आपके 5-1 रश हो रहा है तो आप चाहो तो 5v1v5 भी कर सकते हो, या फिर मिनिमम आप 1 या फिर 2 लेकर जा सकते हो क्योंकि उसका एक शॉट हेडशॉट और प्लेयर डाउन। बट जेरी अनफॉर्चूनेटली मैडी ने रीना को पहले ही डाउन कर दिया और फ्रैक्सी बचे हैं जिसके साथ मिड मार्केट होल्ड कर रहे हैं। डार्ट तो आ गया, लोकेशन रिवील हो गई है, बहुत मुश्किल हो सकता है, साइट बी पुश हो रहा है, 2 का सिचुएशन है एंड ओ मैडी डाउन। आई थिंक गेम प्ले बैक आ सकता है क्योंकि 2v2 की सिचुएशन, अंशु ने ओरिचिमारी को डाउन कर दिया, फ्रैक्सी ऑन द लुकआउट कि कोई आ तो ना जाए बैक स्टेप के लिए। आई थिंक जो सोवा है वो अल्ट पे ही खेलना ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो लो ऑन हेल्थ है, 1v5 तो वो शायद ही ना ले। स्लो साइड की एंट्री हो रही है, लास्ट प्लेयर लेफ्ट, जेट एंड फ्रैक्सी लेफ्ट और ये डाउन, क्रिंसी ने जेट को डाउन कर दिया, क्रिंस ने ओ बहुत ही अच्छा हंटर्स फ्यूरी का उपयोग। जेरी बहुत मुश्किल हो सकता है सेज के लिए स्पाइक डिफ्यूज करना, या दोनों ही जो प्लेयर्स है वो लो ऑन हेल्थ है, बट शॉक डॉट का यूज। जेरी बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले बाय अंशु, मतलब ये सिचुएशन तो बहुत ही होपफुल, मतलब तुमने जेरी देखा क्या कंट्रोल, उन्होंने साइड पुश नहीं करने की कोशिश की, अल्ट का बहुत सही उपयोग, हंटर्स फ्यूरी पहले यूज किया फिर शॉक डार्ट, लो हेल्थ कर करके सेज को उन्होंने डाउन किया है। बट क्योंकि अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो 4v2 का सिचुएशन था, जैसे ही मैडी डाउन हुआ है वैसे ही टीम डेड। मैडी का आउट होना बहुत जरूरी है अगर अटैकर्स को अपने लिए राउंड्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, बट जो मैडी है वो एक्चुअल में मेंटल सपोर्ट भी देते हैं प्लेयर्स को। आई थिंक पुश करने में एक जो हेल्प है मैडी की तरफ से आ रही है, या क्योंकि एक्चुअल में लगता है कि मैडी अगर आपकी टीम में है, आप अगर हम डिफेंडिंग टीम के हिसाब से सोचे तो वो सोचते हैं कि अगर मैं मरता भी हूं तो मैडी जो है वो पीक ले लेगा, तो मैडी एक लाइक मेंटल सपोर्ट भी दे रहा है टीम को, एंड मैडी जो है वो परफॉर्म भी इस टाइप से कर रहा है कि ना तो टीम उस पे फुल्ली ट्रस्ट करके उसके भरोसे खेल सकती है। बहुत सही कहा जेरी, एक्चुअली उनको पता है कि अगर हम एक पीक भी लेते हैं और हम डाउन होते हैं तो मैडी डेफिनेटली वो किल निकाल लेगा। आई थिंक ट्रेड ऑफ इतना बेहतरीन तरीके से करते हैं कि टीम उनके भरोसे पे गेम प्ले दिखा पा रही है इतना अच्छा। बट लग रहा है कि कमबैक हो रहा है क्लच जीनी की तरफ से, जेरी वो गैप को कवर कर रहे हैं जो एक्चुअली पीएफएल ने कर दिया था। 8 points ले लेना बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैडी ने अनफॉर्चुनेटली जेट को डाउन कर दिया है, तो 4v5 की सिचुएशन है, अटैकर्स में 4 ही बचे हैं अभी, अगर वो चाहते हैं 22 seconds बचे हैं, स्पाइक प्लांट होना बहुत जरूरी है, साइट एंट्री हो चुकी है, डॉक्टर ओरियो ऑलरेडी प्लांटिंग, 1v3 की सिचुएशन बहुत टफ डॉक्टर ओरियो के लिए, मैडी को डाउन कर दिया, शायद डॉक्टर ओरियो के लिए ये इजी हो सके, अनफॉर्चुनेटली क्रिंस ने उन्हें स्पॉट कर लिया,
एंड डिफेंडर्स ही रहा है खेल है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ है टीम के लिए। हाय पृथ्वी, हाय पैरा, हियर, वेलकम गाइस, आई होप यू आर एंजॉयिंग द स्ट्रीम, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। चेरी क्या कहते हो, लोगों को करना चाहिए ना लाइक एंड सब्सक्राइब, भैया इतनी अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं हम। आपको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए यार, गेमिंग ऑब्लेट को हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम आगे भी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टूर्नामेंट्स लाए आपके लिए, ताकि आपको भी आपका जो टैलेंट है वो शो करने को मिले एंड आप भी कुछ करें। अगर आप स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं या फिर आप फन के लिए भी खेलना चाहते हैं तो मे बी आपको सपोर्ट तो करना ही चाहिए। प्लस जेरी हम लेकर आ रहे हैं वैलोरेंट स्क्रिम्स जो 17 फेब से चालू होंगे, यू कैन एंटर सोलो या विथ योर स्क्वाड एंड गेट 200 कैश प्राइज पर मैच, मतलब अगर आप एक दिन में एक मैच खेलते हैं तो यू कैन गो अवे विद अ कैश प्राइज ऑफ 200 जिस आपको एक मैच ही खेलना है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस एंड डू जॉइन आवर गेमिंग गॉबलेट, रजिस्टर फॉर द टूर्नामेंट। जेरी इतने देर में जेट ने मैरी को डाउन कर दिया, 5v4 की सिचुएशन आ गई है, लाइट बाय पे है सारे के सारे डिफेंडर्स और अटैकर्स के पास हैवी बाय, क्या हो सकता है, अटैकर्स ये राउंड जीत जाएंगे? मैं भी दोनों ही टीम अब मे बी इक्वली है बट स्नेक्स ने वापस ओरियो का किल ले लिया है। उनके लिए ये फायदा है कि वो बहुत इजीली डिफेंडर्स को डाउन कर सकते हैं। स्पाइक हो गया है प्लांट, सिर्फ अभी उन अटैकर्स को थोड़ा डिफेंड करना है। 2v2 का सिचुएशन, अनफॉर्चूनेटली स्पाइक इज गेटिंग डिफ्यूज्ड बट मॉली बहुत ही इवन एंड मॉडस्क्राफ्ट ने फ्रैक्स को डाउन किया, अटैकर्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मॉडस्क्राफ्ट ने निक्स को भी डाउन करके ले लिया ये गेम प्ले अटैकर्स के लिए। जेरी तुमने एक चीज देखी है, एक सोवा का डार्ट एंड हंटर्स फ्यूरी का यूज एंड मॉडस्क्रफ का मॉली का यूज, आई थिंक दोनों बहुत ही इवन तरीके से क्लच जीनी ने यूटिलिटी का गेम प्ले दिखाया। यस मे बी दे राउंड्स देना बहुत टफ होता है अगर आपको लाइनअप्स नहीं पता। मैडी आउट विद द ब्लेड स्टॉर्म अगेन, कुछ भी हो सकता है, मैडी इज ऑन फुल फायर, अटैकर्स के लिए शायद वो डिफिकल्ट साबित हो अगर उन्हें जल्दी डाउन नहीं किया गया तो। That's why के attacker जो है वो थोड़ा soft खेल रहे हैं, उन्हें भी डर है कि मैडी के bloodstorm के आगे नहीं आना है। Revealing area. मैडी full on hunters mode में, उनके bloodstorm के सामने कोई ना आए तो hopefully clutch genie clutch कर पाएंगे। Yes. मैडी जो है कूदते फांदते देख रहे हैं कि कहीं उन्हें एक पीक मिले एंड वो अपने ब्लेड स्टॉर्म का यूज करें। अटैकर सिंस लाइट बाय पे है तो डिफेंडर्स के लिए शायद सॉरी डिफेंडर्स इस बार हैवी बाय पे है तो अटैकर्स के लिए शायद ये बहुत ही अच्छा यूज ब्लाइंड का। साइड पे एंट्री हो गई है, आई थिंक क्विक प्लांट इज द ऑप्शन राइट नाउ अगर क्लच जीनी को ये राउंड लेना है तो। मैडी सॉल्व विद द ब्लेड स्टॉर्म, ये मैडी ने लिया वो मॉन्स्टर फॉर डॉक्टर ओरियो को बहुत ही अच्छे से डाउन किया। ओ अनफॉर्चूनेटली रेना के क्रॉस हेल में आके उनकी थोड़ी मिस्टेक हो गई, वन एनिमी ऑन अटैकर्स लेफ्ट, क्वींस ने रेना को डाउन कर दिया। जेरी बहुत ही अच्छा था क्लच जीनी का एंट्री, बहुत ही उफ क्या एंट्री थी, बट अनफॉर्चूनेटली डिफेंडर्स ने तो क्या रीटेक लिया मैप का। यस मैं एक्चुअली मैडी को स्पेक्टेट कर रहा था एंड मैडी इज लाइक कि जैसे हुए
साउंड आया कि रश हुआ है, वो अपने ब्लेड्स को लेके जो भागे हैं एंड 1-2 डाउन। इमेजिन मॉर्टस्क्राफ को जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने हेडशॉट दिया ब्लेड्स ऑन से, उन्हें तो सीरियसली सेकंड भर में पता भी नहीं चला होगा कि हुआ क्या। क्लच जीनी लाइट बाय में अगेन, अंशु इज ऑन स्पेक्टर, ओरियो विद स्ट्रिंगर, रीना विद स्ट्रिंगर, स्पेक्टर तो हो क्या सकता है, क्या डिफेंडर्स ये राउंड मतलब अटैकर्स क्या ये राउंड कर पाएंगे, क्योंकि बहुत टफ है उनके लिए पुश करना, बहुत उन्हें ये राउंड निकालना ही होगा वरना ये मैच यहीं पे एंड हो जाएगा एंड हमारी क्लच जीनी जो है वो ये मैच हार जाएगी। सो उन्हें ये राउंड एनी हाउ निकालना ही होगा बिकॉज अब उनके पास गन्स भी इतनी अच्छी है नहीं, उन्होंने सॉफ्ट बाय कर रखा है। इकोनॉमी डाउन होने से थोड़ी इशू आती है एंड अटैकर्स के लिए इकोनॉमी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फ्रैक्सी ने ओरियो को डाउन कर दिया, रीना ने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रैक्सी को डाउन किया, हेल्थ फ्रैक्सी की थोड़ी कम थी एंड 3v3 की सिचुएशन आ गई है। ये आया सोवा का रेकन डार्ट, पता चल गया कहां पे है सारे। ओरिचिमारू ने जेट को डाउन कर दिया, 2v3 की सिचुएशन। जेरी क्या हो सकता है, क्या क्लच होगा ये गेम, हो सकता है क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। रीना ने ओरिचिमारू को डाउन किया, 2v2 की सिचुएशन। अटैकर्स प्लांटिंग, रीना ने कर दिया प्लांट, अक्सु ऑन द लुकआउट। अनफॉर्चुनेटली सोवा ने सोवा को किल कर दिया, निक्स ने रीना को किल कर दिया। ये मैच यही एंड हो गया एंड जो हमारी टीम ने वॉन करने वाली वो है TFL। जेरी बहुत ही अच्छा गेम प्ले, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दिया क्लच जीनी ने TFL को। यस, बहुत ही टफ कंपटीशन। मेडी के बारे में जो कहे वो कम है, मेडी का गेम प्ले उफ, व्हाट अ गेम प्ले बाय मेडी। ब्लेड स्टॉर्म का तो कमाल का यूज, कमाल का 4 किल्स बाय मेडी, 34 kills by Maddie, Hello? 26 just after Jet and Fraxy on 18, Mordscruff. Hello, can you hear me now? 16. Guys, we'll be back right now. Cherry, audio off. हाँ, guys, we'll be back with the next round. Next team play कर रही हैं and we will be right back. Just stay tuned, guys. We have something special for you. At Gaming Goblet, we chose 2-3 people who have really good montages. So watch that on our stream right now. We'll be right back. This is the intermission, but the next game will be soon starting. ये जो montages हैं बहुत ही cool हैं. Definitely check out their channels and do like and subscribe, guys. Bye guys.
जेरी वी आर बैक व्हाट्स ए व्हाट्स द अपडेट ऑन दिस राउंड ऑफ द टूर्नामेंट हम स्पार्क चैलेंजेस में आ गए हैं सेकंड गेम चालू होने वाला है मैच बिटवीन टीम रिट्स एंड क्लच जीनी जेरी व्हाट्स योर से क्या मैप सिलेक्ट हुआ है कौन से एजेंट्स सिलेक्ट किए हैं क्लच जीनी और टीम रिट्स ने जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्लच जीनी जो है वो वापस ओरियो अपने साइफर पे जा रही है किल्मा अलायंस अपने स्मोकर ब्रिम पे जा रही है एंड मोर्सक्रफ जो है लास्ट टाइम ब्रिम यूज कर रहे थे बट दिस टाइम ही इज यूजिंग रेना इफेक्ट्स जो है हमारे वो यूज कर रहे हैं जेट एंड अभी टीम रेड्स के सिर्फ दो ही प्लेयर हैं जिन्होंने पिक किया है जो कि है निकोटीन एंड रियोशी साइफर एंड सोवा सो देखना रहेगा कि उनके बाकी तीन प्लेयर क्या सिलेक्ट करते हैं और जो सेवेज है वो अभी शफल कर रहे हैं जेट एंड रेज में सो देखते हैं जेरी हमने पहले के प्रीवियस मैचेस में देखा है सैवेज बहुत ही सैवेजली खेलते हैं रियोशी के साथ बहुत ही अच्छा उनका कोऑर्डिनेशन है एंड लेजी डिस्पाइट बीइंग कॉल्ड लेजी इज वेरी फास्ट इन हिज गेम प्ले तो क्या अटैकर्स के लिए ये टफ साबित हो सकता है हाँ बिल्कुल होगा अगर अटैकिंग टीम एक्चुअली अगर देखा जाए तो अटैकिंग टीम में भी जो इफेक्ट्स हैं बहुत ही बढ़िया खेलते हैं अपनी टीम के जो है वो टॉप फ्रैगर है एंड एंट्री फ्रैगर है सो ऐसा नहीं रहेगा कि जो अटैकिंग टीम है क्लच जीनी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी बेशक वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी सो हम अभी से कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करेगी सो अभी तो हमें ये बाद में ही पता चलेगा दो या तीन राउंड्स के बाद कि कौन सी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है सो लेट्स सी और हम जैसे देख सकते हैं टिया स्प्लिशॉट ने घोस्ट ले लिया है सैवेज ने भी घोस्ट बाकी अभी तक अटैकर्स क्लासिक पे ही हैं शायद वेपन स्विच कर दें होपफुली ये राउंड उनके लिए फायदेमंद साबित हो या किल्मा एलाइज एंड मॉसक्रफ ने घोस्ट पे स्विच कर दिया है तो होपफुली अटैकिंग में उनके लिए ये फायदेमंद हो सके हमारा जो लास्ट मैच था उसमें जो हमारी क्लच जीनी थी उन्होंने पिछली बार डिफेंस चूज किया था फर्स्ट में बट दिस टाइम ही इज दे आर प्लेइंग विद ऑन अटैकिंग साइड सो देखते हैं कि उनके लिए अटैकिंग साइड कितनी बेनिफिशियल रहती है इस बार इस मैच में जेरी बिल्कुल सही कहा ये बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि क्लच जीनी को इस बार अटैकिंग राउंड मिला है तो शायद वो गेम प्ले दिखा पाए जो उन्होंने लास्ट मैच में दिखाया था बट अगेंस्ट टीम रेड्स मे बी समथिंग रॉन्ग विद अंशु ही इज ऑफलाइन नाउ ही इज ऑनलाइन शायद पिंग के इश्यूज हैं शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स बट आई होप इट्स ऑल राइट नाउ एंड द गेम हैज रिज्यूम्ड यहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जेट ने निकोटीन को डाउन कर दिया डॉक्टर ओरियो और टीआर लेजी को स्प्लिट शॉट ने डॉक्टर ओरियो की 3v4 की सिचुएशन ऑलरेडी आ गई है 55 सेकंड्स में ही 3v4 की सिचुएशन आ गई जेरी राउंड तो अभी आधा बचा है जो क्लच जीनी है फुल्ली अटैकिंग मोड में आ चुकी है एग्रेसिव पुश बाय देम बहुत एग्रेसिव पुश जेरी बहुत एग्रेसिव पुश किल्मा एलाइस को सैवेज को किल्मा एलाइस ने डाउन किया 1v3 की सिचुएशन रेना ऑन लो हेल्थ जो प्रॉब्लम दे सकती है स्प्लिट शॉट को साइड पी में एंट्री लेने से सोवा का रेकन डार्ट आ गया लोकेशन शायद रिवील ना हो ओ हो गई एंड ओ स्प्लिट शॉट ने बहुत अच्छे से अंशु को शॉट तो दिया बट उसके शॉक डार्ट ने उसे थोड़ा शॉक कर दिया अटैकर्स ने राउंड जीत लिया जेरी व्हाट्स योर से मैं अंशु को कहना चाहूंगा कि बहुत ही प्यारा वो सोवा का यूज करते हैं लास्ट मैच भी उन्होंने अपने सोवा का अल्ट एंड जो रिकॉन है या हाँ हंटर फ्यूरी तो बहुत एवन यूज और उसके बाद जो सेज को उन्होंने शॉक डार्ट से डाउन किया था जेरी ओह माय गॉड ऑसम गेम प्ले और एक और देखा जाए तो वो लास्ट में जब वो राउंड उन्होंने निकाला था वो 10 एचपी थे एंड इट्स लाइक कि वो राउंड कैसे निकला है वो बड़ा ही डिफिकल्ट था क्योंकि उनका एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन हो चुका था 2v1 की सिचुएशन थी उन्होंने प्लेयर डाउन करके देन अल्ट का यूज करा जेरी इस बार अटैकर्स ने लाइट बाय लिया और हैवी शील्ड स्पेक्टर्स एंड स्ट्रिंगर्स पे हैं और जबकि जो डिफेंडर्स हैं वो सारे के सारे अभी अपने पिस्टल पे हैं फ्रेंजी एंड एटमोस क्लासिक तो क्या कह सकते कह रहे हो
इस बार के अटैकर्स हैवी शील्ड के साथ पुश बहुत इवन कर पाएंगे क्योंकि अब ये तो नॉर्मल चीज है कि अगर आपके पास फैक्टर है सामने वाले के पास क्लासिक है तो ऑब्वियस है कि अटैकर जो है वो भारी पड़ेगा क्योंकि उसके पास फैक्टर है, ही हैज ऑटो। और ऐसे ही डिफेंडर्स में दो डाउन हो गए, अटैकर्स में अभी भी पांच एजेंट लेफ्ट एंड किल माय एलाइज ने स्प्लिट शॉट को डाउन कर दिया। 2v5 की सिचुएशन ने बहुत ही अच्छे से निकोटीन को डाउन। 1v5 की सिचुएशन, ये तो आई थिंक नोन था, फ्लॉलेस गेम प्ले दो, बट आई थिंक अटैकर्स का सिर्फ उनका बाय कर लेना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया डिफेंडर्स के लिए डिफेंडिंग में। बट सिंस नाउ इट्स अ हैवी बाय फॉर देम, क्या हो सकता है, क्या डिफेंडर्स ही राउंड जीत जाएंगे? हैवी बाय, फुल जेरी, फुल ऑन हैवी बाय। लेट्स सी, देखना रहेगा क्योंकि अभी देख रहे हैं जहां तक हमें अटैकिंग टीम भारी पड़ रही है एंड स्पेक्टर एंड जो स्ट्रिंगर है वो क्लोज रेंज में बहुत ही ज्यादा ओपी है क्योंकि उनका फायर रेट बहुत ज्यादा है। लेसी गार्डियन पे और हमने उनका गार्डियन के साथ गेम प्ले देखा है, बहुत ही इवन हेडशॉट्स देते हैं एंड सैवेज स्टार्ट स्प्रिंग सैवेजली रियोशी के साथ कोऑर्डिनेट किया तो बहुत ही टफ साबित हो सकते हैं अटैकर्स के लिए पुश करने में। अनफॉर्चुनेटली मॉस्क्रफ ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेक्टर से लेजी को डाउन कर दिया। 4v5 की सिचुएशन जेरी, निकोटीन ने मॉस्क्रफ को, अंगसू ने सैवेज को, 3v4 की सिचुएशन, डिफेंडर्स 3 पे, अटैकर्स 4 पे, साइड पुश हो चुका है, ए प्लांट हो रहा है स्पाइक बाय डॉक्टर ओरियो। चैट ने बहुत ही इवन तरीके से रियोशी को डाउन किया, डिफेंस में सिर्फ रेना बची, स्प्लिट शॉट का शॉट काम नहीं किया, अंगसू ने उन्हें डाउन कर दिया। अटैकर्स वन दिस राउंड, 3 फॉर द अटैकर्स, 0 फॉर द डिफेंडर्स। जेरी तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है? लास्ट मैच की पूरी कसर इस बार वो निकालने वाले हैं पूरा, लगता है वो सारा एंग्विश गुस्सा जो भरा था कि नहीं ये राउंड हमें जीतना है तो अब लगता है वो इस गेम प्ले में दिखेगा। सैवेज इज ऑन अ मार्शल, क्या लगता है जेरी विद मार्शल क्या सैवेज बहुत अच्छा डिफेंड कर पाएंगे? जेट एंड स्नाइपर डेडली कॉम्बिनेशन, बट लाइट बाय है डिफेंडर्स के लिए। व्हाट, हेडशॉट बाय जेट, जेट ने बहुत ही अच्छा निकोटीन को हेडशॉट दे दिया। आई होप वो चाहते थे कि मैं हानिकारक बनूं पर बन नहीं पाए। हां एक्चुअली मॉस्क्रफ ने स्प्लिट शॉट को डाउन किया, 3v5 की सिचुएशन, अटैकर्स बहुत इवन गेम प्ले दिखा रहे हैं। साइड तो एंट्री हो गई, अब होगा स्पाइक प्लांट, डिफेंडर्स के पास यही मौका है, या तो वो प्लांट होने से रोक दें या अब रिटेक करें। सिर्फ सैवेज बचे हैं एंड लोकेशन डिटेक्टेड एंड अंगसू ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें डाउन कर दिया, अटैकर्स ने राउंड फिर जीत लिया। या क्लास जिनी जो है इस बार बिल्कुल मौका ही नहीं दे रही है प्लेयर्स को आने का या फिर उन्हें बचने का क्योंकि वो इतना फास्ट पुश कर रहे हैं कि जो अदर प्लेयर है जो दूसरी साइड होल्ड कर रहा है उसे रोटेशन का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल नहीं जेरी, तुम देख रहे हो इकोनॉमी बहुत ही बेहतरीन है क्लास जिनी की, स्टेबल इकोनॉमी है, अगर वो राउंड हार भी जाते तो उनके पास इनफ इकोनॉमी रहेगी नेक्स्ट राउंड पे हैवी बाय फिर भी करने की। उनकी इकोनॉमी देख के अदर हैंड डिफेंडर्स को पुश करना पड़ेगा इस राउंड पे, हैवी बाय के लिए सैवेज के पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। मॉस्क्रफ ने सैवेज को पहले ही डाउन कर दिया, 4v5 की सिचुएशन राउंड बिगिन होने पे ही आ गई। ओ स्प्लिट शॉट ने बहुत ही अच्छे तरीके से मॉस्क्रफ और डेजी ने जेट को डाउन कर दिया, स्प्लिट शॉट ने किल माय एलाइज को, 5v2 की सिचुएशन, अटैकर्स में 3 कम, प्लेयर्स को डाउन कर दे, ऑलरेडी एक प्लेयर डाउन हो चुका है बट अनफॉर्चुनेटली स्प्लिट शॉट का अंशु को लेने से ओरियो थोड़े अकेले पड़ गए हैं,
अब 3v1 की सिचुएशन, ओरियो चाहती है तो वो कर लेगी किल। ओरियो ने बहुत ही अच्छे तरीके से टीआर लेजी को डाउन किया। ओरियो ने स्प्लिट शॉट को 1v1 की सिचुएशन, शी हैज अ चांस टू प्लांट, अगर वो कर देती है प्लांट, बहुत A1 तरीके से प्लांट, रेकॉन डॉट से लोकेशन रिवील होने के बाद भी शी इज ट्राइंग टू प्रिवेंट बीइंग डिटेक्टेड बाय सोवा एज लॉन्ग एज शी कैन। बहुत कोशिश कर रही है कि वो डिटेक्ट ना हो। ओ, रियोशी ने डाउन कर दिया। आई थिंक डॉक्टर ओरियो की हेल्थ कम होने की वजह से एक हेडशॉट भी उनके लिए भारी पड़ गया। क्यों जेरी? या बट वेल प्लेड बाय ओरियो। बहुत ही जेरी 3v1 की सिचुएशन थी, बहुत कोशिश की, बहुत ही अच्छे तरीके से पॉज करके भी रखा रियोशी को एंट्री लेने से, बट अनफॉर्चुनेटली क्लच नहीं हो पाया। Yes, but good for Clutch Genie because already वो benefit में है, 4 rounds उनके तरफ है and defenders का first round जो कि उनके लिए निकला है अभी, so let's see. Jerry, there's a comeback of an operator. Savage ने उठा लिया operator, क्या हो सकता है बताओ अब? कुछ भी हो सकता है, but last बार जब हमने देखा था Savage का operator use, उन्हें लॉस ही हुआ था क्योंकि operator का जो है उनका लेन देन चल रहा था last बार. Let's see इस बार क्या होता है. हमने सैवेज को ऑपरेटर के साथ देखा है, वो बहुत एवन है, किल्स लेते हैं ऑपरेटर के साथ, तो शायद ही अटैकर्स के लिए भारी पड़ सकता है। एज ऑलवेज एंट्री बी पे होने से ऑपरेटर की थोड़ा डर समाया होगा। एंड रियोशी ने जेट को डाउन कर दिया, अटैकर्स में एक कम ऑलरेडी। या हंटर फ्यूरी का बहुत ही प्यारा यूज। रियोशी ने डॉक्टर ओरियो को डाउन कर दिया, 5v3 की सिचुएशन, अभी तो एक मिनट फिर भी बाकी है। Savage with an operator becomes a very deadly combination, and I think Savage सिर्फ इसी का वेट कर रहे थे। 2v4 की सिचुएशन जेरी, या बेबी बहुत ही अच्छा होल्ड साइड बी पे। डिफेंडिंग टीम जो है वो कमबैक इज रियल का नारा लगाते हुए एंड ट्राई कर रही है कि वापस कमबैक किया जाए। ओ, टीआर लेसी ने स्पाइक स्पॉट कर लिया। डिफेंडर्स के लिए ये राउंड बहुत ही इजी हो जाएगा। स्पाइक स्पॉट होने पे बहुत मुश्किल हो जाता है अटैकर्स के लिए स्पाइक की लोकेशन पे जाके स्पाइक लेना, व्हेन दे नो कि डिफेंडर्स उनको बहुत अच्छे से ताक में होंगे। एंड रेना ऑलरेडी लो ऑन हेल्थ है, उसे एक पिक लेना होगा। टीआर लेजी की लोकेशन देख के तो लगता नहीं रेना का पुश फायदेमंद साबित होगा। एक पिक एंड रेना माइट गेट अ हेडशॉट, बट बहुत ही स्मार्टली रेना ने प्रिवेंट किया, उन्होंने पुश ही करने की कोशिश नहीं की। मॉस्कव का बहुत अच्छा वेपन सेव। थैंक्स। डिफेंडर्स को दो राउंड्स मिल गए हैं, अटैकर्स के 4 पे हैं, थोड़ा अभी भी गैप बचा है, बट आई थिंक डिफेंडर्स हैव द चांस टू टेक दिस गेम बैक इन द नेम। वो चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से ये गैप कवर कर सकते हैं। क्यों जेरी? इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कवर बिकॉज़ डिफेंडिंग प्लस डिफेंडर्स अभी भी सैवेज ऑपरेटर के साथ है, जो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन साबित हो रहा है, और थोड़ा डर समा रहा होगा अटैकर्स पे पुश करने पे। अटैकर्स ऑन द अदर हैंड आर ऑल ऑन वेंडल एंड हेवी बाय, जो उनके लिए थोड़ा साइड पुश करने में फायदेमंद साबित हो सकता है, स्पेशली इफ दे रश क्विकली टू प्लांट, बट अगर पॉज लेके भी खेलते हैं तो भी। एंड चेट बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्लिट शॉट को डाउन कर दिया, मिड एंट्री पीक एंड जेट एंड ओमेन का आमना सामना। एनटीआर लेसी ने जेट को डाउन कर दिया, 4v4 की सिचुएशन, जेट एंड रेना आर डाउन, एंड मॉस्क्राफ्ट ने लेजी को डाउन कर दिया, 3v4 की सिचुएशन, सैवेज का ब्लेड स्टॉर्म आउट, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से किल माय एलाइज को डाउन किया उन्होंने, ब्लेड स्टॉर्म का बहुत ही एवन उपयोग। 3v2 की सिचुएशन, स्पाइक्स हियर, अनफॉर्चुनेट फॉर डॉक्टर ओरियो, रियोशी ने उन्हें बहुत अच्छे से डाउन किया, मॉस्क्राफ्ट ने, एंड 2v1 की सिचुएशन, मॉस्क्राफ्ट ही बचे हैं आखिरी में, 30 seconds left. इधर वो रियोशी या तो सैवेज के क्रॉस हेयर में आ गए तो बहुत बुरा साबित हो सकता है। इट्स लाइक लास्ट राउंड, मॉस्क्राफ्ट ही बचे हैं आखिरी में, जेरी क्या हो सकता है?
तुम्हें क्या लगता है कि जैसे अभी मॉन्स्टरक्राफ्ट ने सैवेज को डाउन किया, क्या वो रियोशी को भी डाउन कर पाएंगे? या मे बी, बट वो पहले प्लान करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। मे बी ही विल प्लांट। या रियोशी का अल्ट और नहीं है, उन्हें अपने सिर्फ एम प्लेसमेंट से ही किल्स निकाले पड़ेगी। एंड रियोशी ने मॉन्स्टरक्राफ्ट को डाउन कर दिया। बहुत ही अच्छा वेपन यूज। एंड द स्पाइक इज गेटिंग डिफ्यूज्ड। ये राउंड भी डिफेंडर्स ने, आई थिंक वो ऑपरेटर सेव करने के लिए है। बिल्कुल ऑपरेटर सेव करेंगे, बिकॉज़ ऑपरेटर वेरी प्रीशियस वेपन। सैवेज ने जरूर बोला होगा, भाई मेरा ऑपरेटर लेके आ, बहुत जरूरी है। एंड स्पाइक डिफ्यूज। टीम रिट्स के नाम 3 पॉइंट्स एंड डिफेंडर्स ऑन 4। वो क्या बहुत ही अच्छे तरीके से कम कवर कर रही है टीम रिट्स। बट वेल प्लेड बाय मॉट, बिकॉज़ उसने बड़ी ही अच्छे तरीके से तीन प्लेयर्स को डाउन करा। लास्ट टू राउंड से हम जेरी देख रहे हैं, मॉन्स्टरक्राफ्ट ही आखिरी में बच रहे हैं और उनके लिए थोड़ा वो डिफिकल्ट साबित हो रहा है, क्योंकि टीम के डाउन होने से सिर्फ रेना का बचना थोड़ा साइड पुश करने में इम्पॉसिबल साबित हो सकता है व्हेन 3 पीपल आर ऑलरेडी डिफेंडिंग आफ्टर द स्पाइक हैज बीन स्पॉटेड। स्पाइक अगर स्पॉट हो जाता है तो डिफिकल्ट होता है लास्ट गेट के फाइट लेना, क्योंकि उसे स्पाइक भी कैरी करना होता है, प्लांट भी करना होता है एंड प्लेयर्स को डाउन भी करना होता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है बहुत ही ज्यादा। एंड सैवेज का बहुत अच्छा गेम प्ले, मॉन्स्टरक्राफ्ट को डाउन कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली किल बाय एलाइज ने सैवेज को डाउन करके 4v4 की सिचुएशन ले आई। जो मॉन्स्टरक्राफ्ट आखिरी में बचते थे उसे सैवेज ने पहले ही कंप्लीटली आउट कर दिया। एंड रेना वर्सेस ब्रिमस्टोन, एंड स्प्लिटशॉट ने बहुत ही अच्छे तरीके से किल शॉट को डाउन किया। 4v2 की सिचुएशन, डिफेंडर्स में 4 एजेंट बचे, अटैकर्स में 2, या तो बहुत क्विक पुश एंड प्लांट या तो पिक पे खेलना पड़ेगा उन्हें। 3v1 की सिचुएशन, 2v1 की सिचुएशन, जेट ने बहुत ही अच्छे से स्प्लिटशॉट को डाउन किया। स्पाइक लेने जाना पड़ेगा, बट रियोशी ने तो बहुत ही अच्छा एंगल पकड़ के बैठे हैं। अनफॉर्चुनेटली जेट का बहुत ही अच्छा क्विक एम रिफ्लेक्स, बहुत ही इवन। गेन 1v1 की सिचुएशन है, लेट्स सी इस बार अटैकिंग टीम ये राउंड लेती है या नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली जेट हैज बीन स्पॉटेड बाय जेट। क्या क्लच जेरी, क्या क्लच। या जेट के रिफ्लेक्स में भी भारी पड़ गए, बहुत ही अच्छे। जेरी तुमने नोटिस किया होगा 3v1 की सिचुएशन आ गई थी, बहुत डिफिकल्ट था। वैसी पोजीशन से बाहर निकलना किसी भी एजेंट के लिए टफ होता है, बट जेट बहुत ही स्मूथली इस चीज को किया उन्होंने वर्कम। 5 फॉर द अटैकर्स, क्लच जीनी का बहुत ही एवन गेम प्ले। टीम रिट्स को अब फिर से अपना कमबैक करना पड़ेगा, वरना वो ये गैप बढ़ता जाएगा और उन पे ये भारी पड़ सकता है। जेट ने निकोटीन को डाउन कर दिया, डिफेंडर्स में 1 ऑलरेडी एजेंट डाउन। अटैकर्स के लिए शायद अब पुशिंग थोड़ा इजी पड़ जाए इफ दे विश। स्मोक का यूज करके जो हेडशॉट मारा है जेट ने, आई थिंक डिफेंडर्स के लिए ये टफ साबित हो रहा है, क्योंकि वो लाइट शील्ड और लाइट बायस पे हैं, और ऑन द अदर हैंड अटैकर्स वैंडल्स एंड हैवी शील्ड्स पे। बट देखने पे लग नहीं रहा कि वो डिफेंडिंग टीम जो है वो लाइट बाय पे है। जेरी आई थिंक ये सिर्फ टेक्निक एंड गेम प्ले पे डिपेंड करता है। एज वी कैन सी डिफेंडर्स ने अटैकर्स को 3v4 की सिचुएशन पे पहुंचा दिया है, एंड ऑलरेडी वो लोग लो ऑन हेल्थ है, इट्स डिफिकल्ट टू होल्ड। बट स्पाइक प्लांट हो चुका है जेरी ऑन साइड बी। अंगसु ने लेजी को डाउन कर दिया 3v2 की सिचुएशन। बहुत ही अच्छा किल डॉक्टर ओरिया का रियोशी के द्वारा। अंगसु ने स्प्लिट शॉट को डाउन किया, सैवेज ने अंगसु को 2v1 की सिचुएशन। ओ स्पाइक होना अब थोड़ा मुश्किल है डिफ्यूज करने के लिए।
सैवेज ने मॉडस्क्रिप को डाउन तो करा पर स्पाइक होगा अब डूम। अनफॉर्चुनेट फॉर देम अटैकर्स ने ये राउंड जीत लिया। क्लच जीनी जो है मस्त परफॉर्म कर रही है हाल फिलहाल देखे तो, बहुत ही मस्त परफॉर्मेंस। क्लच जीनी ने तय कर लिया है कि लास्ट गेम जीत हार गए तो क्या हुआ, ये गेम तो हमारे नाम ही है। अब आया है डिफेंडर्स के लिए हैवी शील्ड एंड हैवी बाय। दोनों टीम हैवी शील्ड एंड हैवी बाय, वैंडल और फैंटम्स पे तो हैं। गेम प्ले किसी भी मोड ले जा सकता है। 3 फॉर द डिफेंडर्स, 6 फॉर द अटैकर्स। ये गैप बढ़ तो गया है पर डिफेंडर्स चाहे तो रीटेक ले सकते हैं। मॉस्क्रिप ने रियोशी को डाउन कर दिया। डिफेंडर्स में एक एजेंट कम, 5v4 की सिचुएशन। जेरी व्हाट्स योर इनटेक? अब थोड़ा डिफिकल्टी हो गई है, वन मोर डाउन सो डिफेंडर्स के लिए और मुश्किल। दो साइड होल्ड करना है उन्हें, मिड पुश भी देखना है, ट्री पुश भी देखना है, तो अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन। बट सैवेज 2v3 की सिचुएशन, सिर्फ रेना एंड साइफर लेफ्ट ऑन द डिफेंडर्स। एंड जेट ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्लिट शॉट को डाउन कर दिया। निकोटीन चाहे तो या तो जेट को डिटेक्ट करके किल ले ले, या तो जेट के हाथों मारे जाए। जेट के हाथ निकोटीन गए एंड अटैकर्स ने राउंड ले लिया। 7 फॉर द अटैकर्स, 3 फॉर द डिफेंडर्स। जेट का बहुत ही अमेजिंग गेम प्ले, उनका क्रॉस हेयर प्लेसमेंट एंड क्विक पीक्स बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहे हैं। यस, लास्ट राउंड भी लास्ट मैच जो था उसमें जो हमारी क्लच जीनी थी उसने अटैकिंग टीम को 8 राउंड्स दिए थे अटैकिंग साइड पे, एंड मे बी इस बार वो भी 8 राउंड देना चाहेगी अटैकिंग साइड से ताकि उन्हें डिफेंडिंग में डिफिकल्ट ना हो। जेरी फर्स्ट हाफ बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक गेम प्ले का रुख बदल देता है अगर फर्स्ट हाफ में आप बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखा दें तो। यस, प्रेशर एक्चुअली में बन जाता है अगर फर्स्ट हाफ में अगर आपके ज्यादा राउंड्स हो तो ओपोनेंट टीम पे दोनों तरफ से ही। रेकॉन डार्ट आ चुका है। निकोटीन ने मॉस्क्रॉप को डाउन कर दिया। ओरियन लेजी को 4v3 के सिचुएशन, डिफेंडर्स में 4 बचे हैं एंड अटैकर्स में 3। क्लच जी ने बहुत बेहतरीन एंट्री ले रही है, साइट ए पे एंट्री तो हो गई। अब प्लांट्स करना है सिर्फ स्पाइक, बट हंटर्स फ्यूरी थोड़ा ऑब्स्ट्रक्टिव साउंड हो गया उनके लिए एंड बहुत ही इवन use of Hunter's Fury। Ryoshi ने बहुत ही even use किया Hunter's Fury का। Agents down कर दिए, सिर्फ Cypher बचा है। 2v1 की situation and shock dart and the agent is down। Ryoshi ने बहुत ही even तरीके से Dr. Oreo को down करके defenders को इस round जितवा दिया। What say Jerry? बहुत ही even gameplay की नहीं? Yeah, बहुत ही even gameplay and Oreo almost tag कर लेती but Hunter's Fury वो shock dart बहुत ही प्यारे time पे use करा and low on health is that इसके कारण Oreo down हो गई, but प्यारे दो headshot by Oreo। As we see defenders ने Vandal और Phantom तो किया है पर साथ में Bulldog and Spectre, heavy shield तो सबके पे है और attackers में Vandals का choice और Spectres का heavy shield on them too, तो ये कोई भी मोड़ ले सकता है ये वाला round। Attackers का P पे push, इस बार नो चॉइस ऑफ स्प्लिट, इंस्टेड जस्ट डायरेक्ट पुश कर रहे हैं अटैकर्स। हंटर्स फ्यूरी आई एंड स्प्लिट शॉट इज डिटेक्टेड। अंकसु ने स्प्लिट शॉट को बहुत ही एवन तरीके से डाउन। सैवेज ने जेट को, सैवेज का बहुत ही अच्छा डिफेंड ऑन साइड बी। 3v2 की सिचुएशन, निकोटीन एंड मॉस्क्रॉफ को बुलडॉग से डाउन किया। 3v1 की सिचुएशन, अटैकर्स आर डाउन, सारे एनिमीज डाउन। स्पाइक तो डिफ्यूज इजी हो गया। अब डिफेंडर्स ने बहुत ही अच्छा रीटेक लिया मैप का, डिफेंडर्स ने राउंड जीत लिया। निकोटीन का बहुत ही अच्छा गेम प्ले। स्विचिंग साइड्स,
जेरी फर्स्ट हाफ ओवर साइड से छुआ है, अब क्लच जीनी करेगी डिफेंड, टीम रिच करेगा अटैक, क्या हो सकता है इसका आउटकम? क्या दोनों यार बहुत एवन गेम प्ले वही दिखा सकती है जो पहले राउंड्स में दिखा रही थी? लेट्स सी, बट पिस्टल राउंड बहुत डिपेंडेबल होता है क्योंकि अब जो भी पिस्टल राउंड निकालेगी उस टीम के पास बेनिफिट होगा नेक्स्ट राउंड में परचेस करने का, बट अब लेट्स सी क्या होता है। जब आप अटैक करते हैं पिस्टल राउंड होता है तो आपके पास ज्यादा एडवांटेज रहता है कंपेयर टू डिफेंस में, क्योंकि आप क्विक पुश कर सकते हो, आपके पास यूटिलिटीज का ही सिर्फ ऑप्शन रहता है, हैवी वेपन्स का नहीं। पिस्टल राउंड में 1v5 का सिचुएशन रहता है, अगर एक ही प्लेयर अगर होल्ड कर रहा है और आपके पास 5 पिस्टल्स वर्सेस 1 पिस्टल है तो इजी है ना कि 5 पिस्टल्स के अगेन 1 पिस्टल इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। साइड के अंदर डिफेंड करने की कोशिश, बट अनफॉर्चुनेटली अंशु और ओरियो को डाउन करके साइड पर बी पे कब्जा कर लिया है अटैकर्स ने, स्पाइक हो गया है प्लांट एंड 3v4 की सिचुएशन आ गई है। किल्मा एलाइज मॉडस्क्रफ और जेट को थोड़ा अमेजिंग गेम प्ले दिखाना पड़ेगा वरना क्लच जीनी को ये राउंड तो भारी पड़ सकता है। बट देखा जाए तो क्लच जीनी के जो तीनों प्लेयर है फुल हेल्थ है, बट अटैकिंग साइड के जो हमारी टीआर टीम है उनके दो प्लेयर ऑलरेडी हाफ से हाफ एचपी है एंड हमारे सोवा भी हाफ एचपी है, सो डिफिकल्ट होगा होल्ड करना। जेट की बहुत ही बखूबी एंट्री, जेट ने लेजी को डाउन किया स्प्लिट शॉट ने, जेट को मॉर्स्कफ ने योशिश को 2v1 की सिचुएशन, अटैकर्स ने बहुत इजीली राउंड जीत लिया। बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले टीम रिट्स के द्वारा, बहुत ही इवन। जेरी व्हाट से बहुत ही इवन कमबैक की नहीं बेशक कमबैक हो रहा है एंड मे बी हाफ वाई पे जा रही है टीम रेट्स, फोर्स वाई करेगी ताकि ये राउंड भी उनके अंदर ही हो एंड नेक्स्ट राउंड के लिए डिफेंडिंग टीम के पास उनका इको थोड़ा सा खराब हो अगर वो स्पेक्टर्स एंड स्ट्रिंगर्स की चॉइस हो रही है। जेरी अटैकर्स ने स्पेक्टर्स एंड स्ट्रिंगर्स पे मूव किया है, सो हैव द डिफेंडर्स, दोनों राउंड में बराबरी का है क्योंकि दोनों ही स्पेक्टर्स एंड स्ट्रिंगर्स पे है, नो मोर हैवी वेपन्स, अभी तक तो ऑप्शन किसी ने नहीं लिया, इक्वल वांटेज है दोनों के पास। चाहे तो अटैकर्स बहुत ही एवन अटैक कर सकते हैं, डिफेंडर्स बहुत ही अच्छा डिफेंड कर सकते हैं। टीआरएच के पास ये मौका है क्लच जीनी के से अपना गेम वापस लेने का। साइट एंट्री बेहतरीन तरीके से डॉक्टर ओरियो को ने संभाला था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें डाउन करके लेजी ने स्पाइक प्लांट करने का ऑप्शन दे दिया अटैकर्स को। 3v3 की सिचुएशन एंड जेट ने सैवेज को डाउन कर दिया, जेट वर्सेस जेट, बट जेट टुक डाउन सैवेज। वन एनिमी रिमेनिंग ऑन अटैकर्स, डिफेंस बहुत ही एवन, मॉड्स क्राफ्ट कर रहे हैं स्पाइक डिफ्यूज। आई थिंक जेट और मॉड्स क्राफ्ट का बहुत ही अमेजिंग कोऑर्डिनेशन था, दोनों ही हाईएस्ट फ्रैगर्स हैं अभी, जेट 16 पे है, रियोशी 13 पे अटैकर्स में, वाइल मॉड्सक्राफ ऑन द 13 विद 13 किल्स एंड टीआर स्प्लिट विद 11। दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखा रही है, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन। जेरी अब आती है हैवी बाय हैवी शील्ड्स की, कैसा हो सकता है ये टीम रेट्स को जो है मेडी की जरूरत है बिकॉज़ मेडी बखूबी जानता है कि क्लच जीनी को कैसे हैंडल करना है। बहुत सही कहा, क्लच जीनी जो हावी हो रही है टीम रिट्स पे वो तो दिख रहा है, बट अगर चाहे तो बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं जेट और मॉर्थक्राफ्ट, और अगर दोनों बहुत ही एवन तरीके से क्लच जीनी पे पुश करें तो आई थिंक वो ले सकते हैं ये राउंड। आई थिंक वन पैसिव राउंड एंड देन टीआर ये राउंड निकाल सकती है। टीआर लेजी शायद इस बार स्प्लिट गेम प्ले पे है, फिर से जेट और ओमेन का आमना सामना, विद अ गोस्ट जेट पुश करना चाह रहा है ए पे, बट थोड़ा डिफिकल्ट साबित हो सकता है क्योंकि ब्रिमस्टोन हैज ऑलरेडी पुट डाउन हिज स्मोक ऑन साइट ए। जेरी बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड करके पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, नो सडन रश,
या इस बार जो अटैकिंग साइट है वो पीक्स के ऊपर खेल रही है, बट नहीं मॉड फ्रूटफुल साबित हो सकता है इस राउंड अगर अंगसू ने डिटेक्ट कर लिया कि अटैकर्स कहां पे हैं। ओ जेट ने सैवेज को फिर से डाउन कर दिया, 2v2 की सिचुएशन। स्पाइक तो प्लांट हो गया है पर स्प्लिट शॉट ने बहुत ही इवन तरीके से अंगसू को डाउन कर दिया। 2v1 की सिचुएशन, डॉक्टर ओरियो लेफ्ट। डॉक्टर ओरियो की क्लचेस तो हमने देखे हैं, तो शायद इस राउंड भी वो इतना अमेजिंग क्लच कर लें और स्पाइक डिफ्यूज करके ये राउंड ले ले डिफेंडर्स के नाम। अनफॉर्चुनेटली शॉट्स नहीं लग पाए, थोड़ा मिस हो गया और निकोटीन ने डॉक्टर ओरियो को डाउन कर दिया। या वो जो रॉक है साइट के अंदर उसके कारण शॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाए, वरना एम प्लेसमेंट ओरियो का अच्छा था, बहुत ही अच्छा एम प्लेसमेंट था। रीना का वो बैक होके रॉक के पीछे छुपना थोड़ा फायदेमंद साबित हो गया टीआर टीम रिट्स के लिए, जितने में निकोटीन ने उन्हें डिटेक्ट करके शॉट दे दिए एंड 7 points के साथ बहुत ही अच्छे गेम प्ले दिखाती हुई टीम रिट्स ऑलमोस्ट गैप क्लोज कर रही है। डिफेंडर्स के लिए ये राउंड बहुत ही टफ हो सकता है, अगर वो नहीं उन्होंने ये गैप कवर करने दे दिया तो उन्हें बहुत बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन देना पड़ जाएगा टीम रिट्स को। Deploying drone. Light buy for the defenders. Attackers के लिए बहुत ही अच्छी opportunity है कि वो side push करके round कर ले। Unfortunately for them, दोनों teams में एक-एक agent down हो चुका है, 4v4 की situation. Mid में Reyna and Reyna का gameplay and Modscruff ने split shot को down किया, but Savage ने Modscruff को down करके 3v2 की सिचुएशन आ गई है। अटैकर्स हैव ऑलरेडी एंटर द साइट, टीआरएलसी प्लांट कर रहे स्पाइक बट अंशु ने उन्हें डिटेक्ट कर दिया, अनफॉर्चुनेट फॉर हिम। लोकेशन का एडवांटेज मिल गया अंशु को, अंशु ने रियोशी को डाउन करके 1v2 की सिचुएशन। अटैकर्स में सिर्फ जेट लेफ्ट, सैवेज अपना सैवेज गेम प्ले दिखाते हुए अंशु को डाउन किया, स्पाइक प्लांटिंग एंड 1v1। या तो किल माय एलाइज जाएंगे या तो सैवेज को सैवेजली चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा किल माय एलाइज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सैवेज को डाउन करके ये राउंड क्लच जीनी के नाम का लिया। 9 for क्लच जीनी, 7 for द टीम रिट्स। Comparing to the last match, ये match जो है वो neck to neck चल रहा है and दोनों ही team अच्छा perform कर रही है इस बार। As we see the stats, Modscruff 17 kills पे, Jett भी 17 पे, Savage on 15 and Ryoshi on 13, Split Shot भी 13 पे, TR Lazy on 9 and Nicotine on 8। वहीं team clutch में Angsu on 14, Oreo on 9 and Kill My Allies on 8। Last kill of Kill My Allies was so amazingly well coordinated gameplay था सबका। एंड सैवेज ने निकाल दिया है ब्लेड स्टॉर्म, साइड में कर रहे हैं क्विक पुश। अनफॉर्चुनेटली ओरियो को डिटेक्ट करने के बावजूद ओरियो ने सैवेज को डाउन कर दिया। 3v4 की सिचुएशन, डिफेंडर्स के 4 एजेंट अलाइव, अटैकर्स में सिर्फ 2 बचे अब, ऑन दैट ऑन 2 ऑन लो हेल्थ। बहुत टफ साबित हो सकता है अटैकर्स के लिए अब साइड पुश करके प्लांट करना। तुम्हें क्या लगता है जेरी, क्या उन्हें वेपन सेव करना चाहिए इस राउंड कि पुश कर लें? 1v3 आई थिंक उसे निकोटीन को वेपन सेव कर लेना चाहिए क्योंकि उनका इको पूरा। डिफेंडर्स ने राउंड जीत लिया, जेट ने जो निकोटीन को डाउन किया उसके बाद तो डिफेंडर्स का जीतना पॉसिबली पॉसिबल था। क्लच जीनी बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखा रही है जेरी।
18-18 किल पे मॉड्स क्रफ एंड जेट एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं। दोनों ने शायद ठान लिया है कि हाईएस्ट रैक्स तो मैं ही लेके जाऊंगा। एज ऑलवेज सैवेज ऑन 15 वो सैवेजली खेलने की कोशिश कर रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट में दिक्कत नहीं है। पॉइंट सिर्फ है कि एंट्री पॉइंट उन्हें थोड़ी कम मिल रही है, वो नैरो होने के चक्कर में वो जल्दी एंट्री नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि डिफेंडर्स बहुत ही एवन तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। सैवेज ने किल्मा एलर्स को डाउन किया। आई थिंक इस बार ओमेन का अल्ट है, मॉस्क्राफ्ट का भी अल्ट है, चाहे तो वो ये राउंड ले सकते हैं। स्पाइक प्लांट पे इजी हो सकता है अगर ओमेन स्पाइक लेके अपना अल्ट यूज कर दे। बहुत ही एविन जेट ने टिया लेसी को साइफर के केज से ही शॉट कर दिया। अटैकर्स ऑन 4, डिफेंडर्स ऑन 4, स्पाइक तो प्लांट हो गया, सिर्फ अब स्पाइक को डिफेंड करना है। निकोटीन ने अंशु को, रियोशी ने डॉक्टर ओरियो को, 4v1 की सिचुएशन इस बार बहुत ही डिफिकल्ट। क्लच जीनी शायद क्लच कर ले या तो डॉक्टर ओरियो। स्कैनिंग अहेड बट मॉब डिटेक्ट हो गए हैं, मॉब्स क्रफ डिटेक्ट हो गए हैं, बहुत बहुत मुश्किल। ये भी ये राउंड मॉब जो है वो सेव करेंगे बट मॉस्क्रफ के पास वैंडल है, उन्होंने जेट को डिटेक्ट कर लिया, एक पीक एंड जेट इज आउट। सैवेज को डाउन करने के बावजूद भी वो शायद ये राउंड न ले पाए। मॉस्क्रफ ने निकोटीन को भी डाउन कर दिया, अनफॉर्चुनेटली डिफेंडर्स डिफेंड नहीं कर पाए। जेरी बहुत ही अच्छे तरीके से टीम रिट्स गैप कवर कर रही है, उनके पास सिर्फ 2 पॉइंट है एंड द गेम वुड बी नेक टू नेक। चाहे तो टीम ब्रिट्स क्लच जीनी को कॉर्नर कर सकती है बट इस बार दोनों ही टीम्स का हैवी शील्ड एंड हैवी वेपन है, इकोनॉमी दोनों की ऑलमोस्ट स्टेबल है, खासकर रियोशी की तो बहुत ही स्टेबल है, सैवेज की भी काफी स्टेबल है। डिफेंडर्स की थोड़ी कम है तो शायद अटैकर्स के लिए इस पास अच्छा चांस साबित हो कि वो ये राउंड अपने नाम कर। बहुत बहुत ही बेहतरीन शॉट टिया लेसी का, क्या किल थी, अमेजिंग गेम प्ले टिया लेसी। निकोटी ने आंसू को डाउन कर दिया, 3v2 की सिचुएशन, अटैकर्स डिसाइडेड बी पे कब्जा कर लिया है, स्पाइक हो रहा है प्लांट। अब सिर्फ जेट एंड किल माय एलाइज के पास ऑप्शन है, या तो स्पाइक को डिफ्यूज करे या तो सेव करे क्योंकि सिर्फ जेट बची है एंड 3 एजेंट्स ऑन द अटैकर्स कैन प्रूव डेडली फॉर सेज। जेट ने सैवेज को डाउन कर दिया, जेट वर्सेस जेट में हमेशा जेट सैवेज को डाउन करते आ रहे हैं। स्पाइक को डिफ्यूज होने के लिए सिर्फ डिले करना है और अटैकर्स बहुत ही अच्छे से ये राउंड जीत सकते हैं। जेट ने निकोटीन को डाउन कर दिया, स्प्लिट शॉट को डाउन कर दिया, स्पाइक बहुत ही स्मॉल मार्जिन, अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत ही स्मॉल मार्जिन था। भले ही जेट ने डाउन कर दिया सारे एजेंट्स को, स्पाइक डिफ्यूज था, पर इतने स्मॉल मार्जिन से राउंड हार जाना बहुत बहुत बुरा लगा। जेरी राउंड को पॉज करने की बात हो रही है, आई थिंक जेरी अवेलेबल नहीं है, देयर इज सम नेटवर्क और कनेक्टिविटी इशू। एनीवेज गाइस द राउंड हैज बिगन एंड जेट इज ट्राइंग टू पीक, वो पीक ले रहे हैं मिड का कैटवॉक का। अटैकर्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लास्ट राउंड तो जीत लिया, शायद ये गेम प्ले वापस दिखा सके। 9 फॉर द अटैकर्स, 10 फॉर द डिफेंडर्स। अल्ट हो गया है रीना को ऑन एंड एंट्री लेने में शायद इजी हो जाए। रियोशी ने किल्मा एलाइज को डाउन कर दिया, टी आर लेसी इज डाउन, जेट ने बहुत ही एवन तरीके से ब्लेड स्पॉन का उपयोग किया, 3v2 की सिचुएशन आ गई। टी आर स्प्लिट शॉट तो इज प्लांटिंग द स्पाइक, स्पाइक तो हो रहा है प्लांट। डिफेंडर्स या तो अब बहुत ही
क्विक किल लें या तो स्पाइक डिफ्यूज करने में वो लेट हो सकता है। डॉक्टर ओरियो शायद क्लच कर पाए बट अनफॉर्चुनेटली निकोटीन के क्रॉस हेयर में वो आ गई एंड डॉक्टर ओरियो इज डाउन। 3v1 की सिचुएशन, अटैकर्स का बहुत ही एवन गेम प्ले, बहुत ही एवन एंगल्स होल्ड करे हुए हैं, एनी पुश फ्रॉम द डिफेंडर्स एंड वो डाउन हो सकते हैं। एंड टिया निकोटीन ने बहुत ही एवन तरीके से मॉन्स्क्राफ्ट को डाउन किया, अटैकर्स ने राउंड जीत लिया। 10 पॉइंट्स पे दोनों टीम नेक टू नेक गेम प्ले पे आ गई हैं। टीआर योशी की 18 किल्स, जेट के 23, क्या एवन गेम प्ले जोकर, क्या बोलते हो? आई थिंक जोकर इज ऑल्सो हैविंग माइक इश्यूज बट एनीवेज 10v10 की सिचुएशन आ गई है। दोनों ही टीम्स बहुत ही अच्छा बेहतरीन गेम प्ले दिखा रही हैं, दोनों ही हैवी शील्ड एंड हैवी बाइस पे हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर डिफेंडर्स वो स्पेक्टर्स और वैंडल्स पे हैं, 3 स्पेक्टर होने की वजह से शायद अटैकर्स उन पे हैवी प्रूव हो सके। बहुत ही क्विक एंट्रीज दे रहे हैं अब अटैकर्स। जेट ने डिटेक्ट कर लिया सैवेज को, फिर से जेट वर्सेस जेट का गेम प्ले, क्या सैवेज किल लेंगे? नहीं, इस बार भी जेट ने सैवेज को डाउन कर दिया। आई थिंक आज नेमेसिस बन रहे हैं वो जेट सैवेज के, दोनों ही एक दूसरे का आमना सामना हमेशा हो रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली जेट हमेशा किल लेके जा रहे हैं। 3v2 की सिचुएशन, स्प्रिट शॉट ने बहुत ही अच्छे तरीके से किल शॉट को किल माय एलाइज को डाउन कर दिया। स्पाइक हो रहा है प्लांट एंड फिर से गेम आ गया अटैकर्स के हाथ में। उन्हें करना है सिर्फ स्पाइक को प्रोटेक्ट, अगर डिफेंडर्स ये एंट्री लेके डिफ्यूज कर लेते हैं तो इस बार क्लच जीनी ये गेम ले जाएगी। Out of charges. Unfortunately, निकोटीन ने जेट को डाउन कर दिया एंड 3v2 की सिचुएशन, स्प्रिट शॉट ने डॉक्टर ओरियो को 3v1 एंड मॉट्सक्रफ ने टीआर निकोटीन को डाउन करने के बाद टीआर लेजी ने जो मॉट्सक्रफ की को किल ली है बहुत ही एवन, बहुत ही अच्छा ट्रेड ऑफ किया। 11 पॉइंट पे अटैकर्स आ गए। टीम ब्रिट्स ने वो गेम प्ले दिखा दिया जो स्टार्टिंग से दिखा रहे थे। सैवेज अब सैवेज किल करना चालू कर दिए हैं। रियोशी का तो बहुत ही अमेजिंग रिकॉर्ड डार्ट और गेम प्ले। टीम ब्रिट्स ने कितना बेहतरीन कमबैक किया है, वो क्लच जीनी को इतने इवन तरीके से कॉर्नर कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग गेम प्ले। अब थोड़ा हो गया सेलिब्रेशन का टाइम, थोड़ा सी खुशी आ गई है अटैकर्स के लिए। I have retrieved the spell. Unfortunately, kill Jet ने बहुत ही even तरीके से catwalk से Jiyoshi को जो down किया, बहुत ही अच्छा Vandal का use, बहुत ही अच्छा crosshair placement होगा, वरना बहुत मुश्किल होता है उतना long range में Vandal से shots लेना। And Savage ने Oreo को down कर दिया। 3v4 की situation आ गई, defenders में 4 agents बचे, attackers में 3, but spike plant हो चुका है। सिर्फ अब block कर दिए है attackers ने अपनी position। उन्हें सिर्फ स्पाइक डिफ्यूज होने से रोकना है। डिफेंडर्स को बहुत अच्छा मौका है, 3 अटैकर्स आ लेफ्ट, एंट्री या तो क्विक पुश करें या तो डिफेंस खो देंगे वो। अनफॉर्चुनेटली जेट ने लेजी को डाउन कर दिया, स्प्रिट शॉट ने जेट को, 1v3 की सिचुएशन, एक ही अटैकर लेफ्ट बट निकोटीन ने बहुत ही अच्छे तरीके से किल मारा, उसको किल किया एंड ये स्पाइक हो गया है डिफ्यूज। बहुत ही नैरो मार्जिन था बट डिफेंडर्स ने जो राउंड जीता है उन्होंने वापस, शायद ये इस बार ये हो सकता है कि हम इस बार टाई देखें फर्स्ट टाइम इन द टूर्नामेंट, क्योंकि दोनों ही टीम्स नेक टू नेक गेम प्ले दिखा रही है। 11-11 की सिचुएशन आ गई है गाइस, 2 राउंड्स आर लेफ्ट। अगर दोनों टीम ने कुछ कमाल दिखा दिया तो या तो एक टीम जीत जाएगी या तो हमें ड्रॉ पे जाना पड़ेगा। ओडिन, डैम, टीआर लेजी ने ओडिन ले लिया था बट आई थिंक उन्होंने गन स्विच की है। वैंडल एंड फैंटम्स अगेन गाइस एंड डिफेंडर्स में वैंडल्स एंड स्पेक्टर का ट्रेड हुआ है, तो अब क्या हो सकता है? बहुत कड़क ये आया हंटर फ्यूरी, अटैकर्स को एंट्री में थोड़ा पुश, हेल्थ की है सबकी लो। सिर्फ जेट का अल्ट रेडी है पर अटैकर्स में
जेट का रीना को साइफर का अल्टीमेट रेडी है जो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है अटैकर्स के लिए पुश लेने के लिए। ये तो बहुत ही टफ सिचुएशन है, एक भी रॉन्ग मूव और अटैकर्स या तो लूज कर सकते हैं या तो डिफेंडर्स लूज कर सकते हैं। एक भी एजेंट लूज करना इस राउंड में बहुत बहुत टफ साबित हो सकता है गेम प्ले में, क्योंकि एक भी अगर आपने एजेंट लूज किया तो गेम किसी भी रूप में मोड़ सकता है, या तो आपको हरा सकता है या तो जिता सकता है। टीआर लेजी ने किल माया को डाउन कर दिया, डिफेंडर्स में एक एजेंट कम, अटैकर्स की क्विक पुश, बट अनफॉर्चुनेटली मॉस्क्रफ ने जो निकोटीन को डाउन किया और टीआर लेजी ने अंशु को, डॉक्टर रोनी और योशी को 3v3 की गेम प्ले आ गई। 28 seconds left, अटैकर्स में 3 एजेंट्स आर अलाइव, स्पाइक अनफॉर्चुनेटली लेना पड़ेगा अटैकर्स को, एंड जेट ने जो टीआर लेजी और स्पिशॉट को डाउन किया, स्पाइक डायरेक्शन काफी फायदेमंद हो गया उनके लिए। डिफेंडर्स का बहुत अच्छा गेम प्ले, मॉस्क्रफ ने जो सैवेज को डाउन किया उनके अल्टीमेट निकालने के बावजूद, मैच पॉइंट बहुत अच्छा। अब आ गए मैच पॉइंट की सिचुएशन, या तो हम ड्रॉ देख सकते हैं या तो इस बार बहुत ही अच्छा गेम प्ले क्लच जीनी के द्वारा। अगर क्लच जीनी ये राउंड ले लिया तो शायद टीम रिज को इस गेम से हाथ धोना पड़ जाएगा। ये टूर्नामेंट उनके लिए टफ साबित हो सकता है, क्योंकि क्लच जीनी ये क्लच कर गई तो वो आगे जाएंगे राउंड्स में। इस बार अटैकर्स में 2 बुलडॉग, 1 स्पेक्टर, 1 फैंटम, 1 वैंडल और बक्की का एंट्री हुआ है। निकोटीन ने बक्की पे स्विच किया है, इकोनॉमी लो थी शायद, एंड डिफेंडर्स की इकोनॉमी काफी स्टेबल होने की वजह से वो वैंडल्स पे हैं, फैंटम पे और किल माय एलाइज बुलडॉग पे। डॉक्टर ओरियो ने स्प्लिट शॉट को डाउन कर दिया, अटैकर्स ऑलरेडी 2 बचे हैं, डिफेंडर्स आर 5, वो चांस ही नहीं दे रहे हैं अटैकर्स को एंट्री लेने का। एंट्री तो हो गई पर स्पाइक प्लांट करना डिफिकल्ट साबित हो सकता है, सिर्फ रियोशी बचे हैं, या तो वो 4 एजेंट्स को डाउन करके क्लच करें, स्पाइक प्लांट करके डिफेंड करें, या डिफेंडर्स के द्वारा मारे जाएं। रियोशी ने बहुत ही इवन तरीके से किल मायलोस को डाउन किया, बट जो अंशु ने किल किया है वो रियोशी को क्या इवन शॉट दिया, डिफेंडर्स ने ये राउंड जीत लिया, क्लच जीनी वन दर गेम, बहुत इवन गेम प्ले, बहुत बेहतरीन क्लच जीनी। दोनों ही टीम ने बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया, बहुत ही टक्कर का गेम प्ले था। 11 फॉर टीम ब्रिट्स जिन्होंने बहुत ही एवन गेम प्ले दिखाया, और 13 फॉर टीम क्लच जीनी, इफेक्ट के 30 किल्स है जेट के हिसाब से, एवन गेम प्ले दिखाया उन्होंने। मॉर्ट्सक्रिफ के 25, रीना के ब्लाइंड्स का बहुत ही अच्छा उपयोग, एंट्री पॉइंट्स में बहुत ही अच्छा गेम प्ले, कोऑर्डिनेशन दिखाया इफेक्ट के साथ। सैवेज विथ 18 किल्स, रियोशी के 19, अंशु के 20, स्प्लिट शॉट के 17, लेजी के 17, निकोटीन के 15, ओरियो के 13 और किल माय लाइज के 10। इसी के साथ ये राउंड तो खत्म होता है, विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट मैच, बहुत ही जल्दी वो लाइव हो रहा है गाइज, डू वेट फॉर अस। तब तक के लिए बहुत ही एवन मॉन्टाजेस देखिए, दीज आर सेंड टू अस बाय सम स्ट्रीमर्स, एंड चेक करिए उनके चैनल को, बहुत ही सुंदर मॉन्टाजेस है।
guys, we are back with the final match of the Spark Challengers round robin, and this time it's Team TFL versus Team Ritz. एसेंट मैप फिर से सिलेक्ट हुआ है और इस बार जो एजेंट सिलेक्ट होंगे वो डिफाइन करेंगे कि क्या राउंड किस मोड पे जा सकता है। हमने टीएफएल और टीम रिट्स दोनों का गेम प्ले देखा है, दोनों ही बहुत बेहतरीन गेम प्ले दिखाते हैं। टीआर योशी, निकोटीन, स्प्लिट शॉट, लेजी, सेवेज एफएमएल बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाते हैं। फ्रैग्जी, निक्स, ओरिचिमारू, मैंडी और क्रिंस आर नोन फॉर देयर पुश एंट्री फ्रैग्स और एंट्री इतनी एवन तरीके से अटैकर्स में करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम वो डिफेंडर्स में। तो टीएफएल टीम डिफेंड कर रही है और वो डिफेंड भी बहुत एवन करती है, और अटैकर्स में टीम रिट्स है जो अपना कमाल दिखा सकती है अगर सैविज बहुत ही एवन गेम प्ले दिखा दे। अटैकर्स ने अब तक अपना एजेंट सिलेक्ट नहीं करा है, बट डिफेंडर्स में असेंट होना था, असेंट बोल रहा, स्प्लिट होना था वैसे। ओ द मैप शुड बी स्प्लिट, पिचांगड़ा आप ये भी ठीक है। सी दैट दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट लेट अ गाय पूप इन पीस। स्प्लिट मैप, आई शुड हैव लेट हिम एट लीस्ट शिट प्रॉपर्ली मैन, व्हाई मैन। एनीवे स्टार्ट guys, that Hello. Was on stream. Thank you for the description. Let's start. Demonetized. Guys, we are back. Unfortunately, map selection थोड़ा wrong था, but who है map actually split. This time, दोनों accent के बाद एक split देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है. Defenders में है team TFL and attackers में team Ritz. Team Ritz में Yoshi ने Sova choose किया है, Nicotine ने Cypher, Split Shot ने Reyna and Lazy is going through lazily through the agent selection. कुछ भी हो सकता है. But defenders में है Fragzy on Raze. निक्स ने अपना भी डिसीजन बनाया नहीं है, ओरिचिमारू ऑन ओमेन, मैडी ऑन जेट एंड क्रिंस ऑन सेज। सैवेज ने डिसाइड किया है वो रेस प्ले करेंगे, सैवेज यूजुअली प्लेज विद जेट सो इट्स अ डिफरेंट डिसीजन, एंड टीआर लेज़ी ने डिसाइड किया है वो ओमेन पे स्विच करेंगे। निक्स का डिसीजन अब थोड़ा शायद चेंज होगा ऑन डिफेंडर साइड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेटा वो डिसाइड कर रहे हैं कि अटैकर्स तो दो हैं, क्या उन्हें एक कंट्रोलर लेना चाहिए कि ओरिचिमारू इज मोर देन एनफ। अब वो उन्होंने इनिशिएटर यूज किया, निक्स इज देयर, तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। डिफेंडर्स एंड अटैकर्स राउंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टीम रिट्स एंड टीम टीएफएल के बीच में। Unfortunately, Jerry won't be joining us in caster play. So now, उनके घर में हो गया power cut. But I think the gameplay would resume very nicely. I think he will be quite supportive of this option right now. So as we can see, defenders में Orochimaru, Nyx और Frax ने decide किया है कि वो classics पे ही रहेंगे. Maddie and Crins on the other hand, boost पे switch कर गए हैं. Crins back on classic and as attackers, TR Yoshi. Nicotine split shot ने decide किया है ghost and frenzy पे, and lazy का decision अभी बाकी है, savage as usual ghost पे। round कैसे भी जा सकता है, split का काफी changes आने के बाद ये बहुत ही attacking map हो गया है, तो बहुत या तो easy हो सकता है attackers के लिए ये round लेना, या defenders बहुत ही even तरीके से इसे defend करके attackers के लिए difficult prove हो सकते हैं competition देने पे। Revealing area. ये आया Ryoshi का reckoning dart, उन्होंने detect कर दिया है Omen है कहाँ पे। Mid wall of sage, entry points कम कर दी गई है attackers के लिए। Omen का smoke थोड़ा defending साबित हो रहा है attackers के लिए, pushing
not possible. Reyna ka aaya blind, but unfortunate for her, Jet ne, Maddie ne unhe detect kar diya. Health unki low ki, par Ryoshi ne Maddie ko down karke defenders mein ek agent kam kar diya. 4v3 ki situation, attackers 3 pe, defenders 4 pe, spike ho gaya hai plant. But defenders ne bahut hi behtareen tarike se attackers ko down kiya, two attackers left. 2v2 ki situation. Last player standing. 1v1 ki situation, Sova versus Waka. देखने पड़ेगा, दोनों ने किया है रेकनिंग डार्ट का उपयोग. इक्वल गेम प्ले, बट निक्स ने Ryoshi को डिटेक्ट करके उन्हें जो डाउन किया, डिफेंडर्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइट को वापस ले लिया अटैकर से, एंड डिफेंडर्स वन दिस राउंड. TFL का बहुत ही अच्छा गेम प्ले और टीम ब्रिट्स जीरो पे. एज वी कैन सी, या तो लाइट बाय हो सकता है डिफेंडर्स अटैकर्स दोनों के लिए, या तो फोर्स बाय करके अटैकर्स शायद पुश करने की सोचें. डिफेंस में आया है फ्रैक्सी का जज वापस. हमने जज से फ्रैक्स के बहुत अच्छे किल्स देखे हैं. फ्रैक्स अगर चाहे तो जज से A1 हेडशॉट्स और किल्स ले सकता है. निक्स ऑन स्पेक्टर, ओरिचिमारू एंड क्रिंस ऑन स्ट्रिंगर. मैडी भी स्पेक्टर पे है. वेर एज ऑन द अटैकर्स अभी भी लाइट बाय है. लाइट मीन्स टोटली लाइट. उन्होंने स्ट्रिंगर लिया है, गोस्ट फ्रेंसी और क्लासिक पे अटके हुए हैं. वो ये राउंड बहुत अच्छे से सेव करेंगे ताकि अटैक में नेक्स्ट राउंड उन्हें फायदा हो. मैडी ने स्प्लिट शॉट को डाउन कर दिया, बहुत अच्छा डिफेंस. दोनों ही में एक एक एजेंट डाउन हो चुका है. फ्रैक्स ने गन स्विच कर दिया, स्ट्रिंगर जज को हटा के स्ट्रिंगर ले लिया है. 4v1 की सिचुएशन आ गई है. With spike, सिर्फ साइफर बचे. मैडी ने देख लिया, बट निकोटीन ने मैडी को जो डाउन किया है, अमेजिंग गेम प्ले. फ्रैक्स ने निकोटीन को डाउन करके डिफेंडर्स के लिए ये राउंड जीत लिया. टीम TFL विद 2 points, अटैकर्स ऑन 0. Ryoshi और उनकी टीम ब्रिट्स शायद इस बार हैवी बाय पे जाए. ऑब्वियसली दिख रहा है Ryoshi ने फैंटम पे स्विच कर लिया. हैवी शील्ड एंड वैंडल. Lazy is with Vandal. On the opposite hand, जो defenders हैं वो light buy पे आ गई हैं. Basically वो सिर्फ stringers और specters पे move कर रही हैं. Heavy shield तो लिया है, but शायद इस बार defense में उन्हें issue आ सकती है. Attackers ने बहुत ही smart move दिखाया. Round में save कर दिया उन्होंने initially, और इस round वो full buy और full shield पे हैं. TR split shot ने क्रिंस को डाउन कर दिया. 3 डाउन ऑन द डिफेंडर साइड. अटैकर्स के 5 लाइव. ये राउंड शायद अटैकर्स अपने नाम कर जाए. बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लाइंड का यूज करते हुए साइड बी पे एंट्री दिलवाई अटैकर्स ने. क्विक स्पाइक प्लांट निकोटीन कर रहे हैं. स्पाइक प्लांट साइड पे एंगल्स लेके खड़े हो गए अटैकर्स. डिफेंडर्स के लिए रीटेक लेना गेम बहुत टफ हो सकता है. निकोटीन ने जो फ्रैक्स को स्पॉट करके डाउन किया, सैवेज ने जो Orochimaru को डाउन किया, 1v5 की सिचुएशन ला दी उन्होंने. इट्स जस्ट अप टू मैडी, या तो वो शेरिफ के साथ क्लच करें या तो अटैकर्स के हाथों डाउन हो जाए. उन्होंने सुन लिया है कि रेस कहां पे है, बट अनफॉर्चुनेट फॉर हिम स्प्लिट शॉट ने जो उन्हें डिटेक्ट कर लिया, मैडी को डाउन करके फ्लॉलेसली ये गेम प्ले अपने नाम कर दिया. अटैकर्स विद 1 point. टीम रिच का बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड मूव. बहुत ही स्मार्टली इको करने के बाद उन्होंने जो हैवी शील्ड और हैवी पेन लिए, उससे उन्हें अटैक में फायदा हो गया ऑन द थर्ड राउंड. फोर्थ राउंड में फाइनली निक्स, Orochimaru और मैडी ने वैंडल और फैंटम पे स्विच किया है. हैवी शील्ड्स है. फ्रैक्स एज ऑलवेज जस्ट के साथ, प्रिंस एज विथ फैंटम. दोनों ही टीम का हैवी बाय है. इकोनॉमी थोड़ी लो है ऑन द डिफेंडर साइड, बट अटैकर की थोड़ी सी स्टेबल. जज का फर्स्ट शॉट सुना हमने, कोई डाउन तो नहीं हुआ. दे हैव बीन पुश्ड बैक. मैडी ने जो सैवेज को डाउन किया बहुत ही एवन तरीके से. मैडी के हेल्थ लो. क्रिंस ऑन द लुकआउट फॉर हीलिंग मैडी. मैडी बैक ऑन हेल्थ एंड एज ऑलवेज
Maddie can be really seriously hard to push. उनके लिए बहुत tough कर देती है वो attackers को push करने में. फाइव वी फोर की सिचुएशन, अटैकर्स में रेस की कमी होने से क्रिंजी ने स्प्रिट शॉट को डाउन कर दिया. ओमेन, साइफर और सोवा होने की वजह से, नो भी नो ड्यूलिस्ट होने की वजह से शायद उनके लिए अटैक करना मुश्किल हो जाएगा. रियोशी ने बहुत ही अच्छे तरीके से रेकॉन डार्ट का यूज किया. ओरिचिमारू का टेलीपोर्ट होने के बावजूद भी उन्होंने जो शॉट लिया है वो बहुत ही कमेंडेबल है. फ्रैक्सी ने रियोशी को डाउन किया. 4v2 की सिचुएशन, निकोटीन ने क्रिंस को डाउन किया. 3v1 की सिचुएशन, टेन सेकेंड्स लेफ्ट. अटैकर्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो वो प्लांट करें, एंड एज यूजुअल लेजी इज प्लांटिंग. बहुत ही क्विक प्लांट, उन्होंने टाइम सेव कर दिया. सोवा ने उन्हें डिटेक्ट तो किया है बट स्मोक होने की वजह से शॉट नहीं ले पाए. रेस को टिया लेजी ने बहुत अच्छे से डाउन किया. 2v1 की सिचुएशन, ये 1v1 की सिचुएशन, लेजी ने जो निक्स को डाउन किया है राफ, वो रैम्प्स पे थे. मैडी ऑन द लुकआउट कि वो स्पाइक को डिफ्यूज करेंगे, या तो हेडशॉट पड़ेगा या तो स्पाइक. ग्रेट फॉर मैडी, मैडी ने बहुत ही अच्छा हेडशॉट दिया टिया लेजी को. स्पाइक डिफ्यूजिंग, 3v1 डिफेंडर्स 3 पॉइंट के साथ, 1 फॉर द अटैकर्स. डिफेंडर्स 2 पॉइंट से आगे. ये गैप शायद टीम रिच को कवर करना पड़ेगा वरना उनके लिए बहुत भारी साबित होता है. जैसे जैसे गैप ज़्यादा बढ़ेंगे वैसे वैसे DFL के पास पल्ला भारी हो जाएगा. वो डिफेंडर्स में इतना अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं, तो अटैकर्स में आएंगे तो क्या हो सकता है. Right here. शोस्टॉपर की एंट्री, फ्रैक्स ने जो निकोटीन को डाउन किया शोस्टॉपर से, बहुत ही एवन गेम प्ले. दो एजेंट बचे हैं अटैकर्स में, तीन तो ऑलरेडी डाउन. रेना और सोवा का अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ तो शायद वो किल्स लेके बहुत अच्छा प्लांट दे सकते हैं. अनफॉर्चुनेट फॉर सोवा, निक्स ने उन्हें डिटेक्ट किया पर रियोशी ने जो निक्स को डाउन किया स्पाइक लेके, अब वो करेंगे शायद कोई थोड़ा रोटेशन. यस इट्स अ रोटेट, उन्होंने डिसाइड किया इज फ्यूटाइल. वापस वही साइड एंट्री करना बहुत बेवकूफी है. ए से उन्होंने मूव कर लिया है. मिड में साउंड आ गया था, टीआर स्प्रिशॉट ने जो क्रिस को डाउन किया है. अनफॉर्चुनेटली ओमन के स्मोक में जो ओरिचिमारू के क्रॉस हेयर में रियोशी आ गए, उनके लिए वो डिफिकल्ट साबित हो गया. 2v1 की सिचुएशन, स्प्लिट शॉट के पास या तो ऑप्शन है या तो वो स्पाइक प्लांट करें अभी या तो मैडी को किल करें. रेना का ब्लाइंड एंड आई थिंक इट विल बी अ क्विक प्लांट. जेट ने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है कि वो साइड बी पे है. अनफॉर्चुनेट मैडी की बहुत ही अच्छे स्मोक की वजह से और बैक होने की वजह से स्प्लिट शॉट उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए. मैडी ने बहुत ही एवन किल लिया. 4 फॉर द डिफेंडर्स, 1 फॉर द अटैकर्स. टीम रिट्स बहुत ही अच्छे बाय पे हैं उनके पास. टीम TFL बहुत ही अच्छे भाई पे है. उनके पास फुल शील्ड और फुल वेपन देने की इकोनॉमी है. वेयर एज ऑन द अदर हैंड टीम ब्रिज थोड़ा लैक करी अपनी इकोनॉमी में. उनके पास सिर्फ स्ट्रिंगर्स है, शेरिफ एंड स्पेक्टर, जो अटैक में थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि डिफेंडर्स पे हैवी वेपन एंड हैवी शील्ड है. क्रिंस ऑलरेडी वॉल कर चुके हैं और डाल दिया स्लो और हील देने की कोशिश बट फुल हेल्थ और जेट. रियोशी निकोटीन मिड एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं. निकोटीन ने बहुत अच्छे तरीके से मैडी को डाउन किया. लास्ट प्लेयर अटैकर सैवेज बचे हुए हैं ऑन द
अटैकर साइड ड्यूलिस्ट होने के बावजूद बहुत टफ हो सकता है. सेज पुशेस राइट नाउ, रिस्क ऑन रेज एंड फ्रैक्स ने जो सेवेज को डाउन किया, अमेजिंग. डिफेंडर्स वन द राउंड, 5 फॉर द डिफेंडर्स, 1 फॉर द अटैकर्स. As we can see, defenders में almost सबकी अल्ट ऑन, फ्रैक्सी की अल्ट यूज हो चुकी थी, बट सारे अल्ट ऑन है, रेडी हैं ऑन द डिफेंडर्स. अटैकर्स में निकोटीन, साइफर, रेस एंड ओमेन की अल्टीमेट ऑन है. अटैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओमेन का अल्ट, जो उनके लिए स्पाइक प्लांट करने में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. Heavy wipe for all and Maddie as usual back on operator and operator se jo amazing kills aa sakti hain abhi split mein wo to dekhne mili gayi. TR Lazy ko jo unhone down kiya, amazing. बैक ऑन शो स्टॉपर, सैविज शो स्टॉपर के साथ उन्होंने डिटेक्ट किया मैडी को, बट अनलकी फॉर हिम शो स्टॉपर यूज नहीं हो पाया. मैडी ऑन द अदर हैंड विथ स्टॉर्म, ब्लेड स्टॉर्म एंड अब ये डेडली हो सकता है. डिफेंस के पास ब्लेड मैडी है, स्पाइक हो गया है प्लांट. अटैकर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से साइड बी पे एंट्री लेके प्लांट तो कर दिया, सिर्फ अब डिफेंड करना है उन्हें स्पाइक. 3v3 की सिचुएशन कुछ भी हो सकता है. फ्रैक्स ने जो टीआर निकोटीन और निक्स ने जो स्प्लिट शॉट को डाउन किया, 3v0 की सिचुएशन आ गई. 3v1 की थी, बहुत ही एवन लास्ट किल लिया. मैडी ऑन डिफ्यूज एंड 6 फॉर द डिफेंडर्स, 1 फॉर द अटैकर्स. बहुत ही ह्यूज गैप क्रिएट हो चुका है अटैकर्स एंड डिफेंडर्स के बीच में. 6 पॉइंट से डिफेंस जो आगे है उसके टीम रिट्स के लिए बहुत बहुत टफ साबित हो सकता है उस गैप को कवर करना, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल. अब बहुत इवन कमबैक हो सकता है अटैक में. स्प्लिट डिस्पाइट बीइंग एन अटैक मैप, डिफेंडर्स बहुत ही इवन गेम प्ले दिखा रहे हैं, बहुत ही इवन डिफेंड कर रहे हैं. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस राइट नाउ. ऑन द अटैकर साइड बहुत ही लो उनकी इकोनॉमी होने की वजह से दे आर सेविंग राइट नाउ स्ट्रिंगर्स एंड शेरिफ. ओरिचिमारू आई थिंक हैज डिटेक्टेड टीआर लेजी ने ओरिचिमारू को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम के डाउन किया. अटैकर्स आर बैक ऑन प्लांटिंग एट साइट बी. पोजीशन होल्ड बस करनी है इस बार भी. Hopefully वो इस बार अच्छे से पोजीशन होल्ड कर पाए. उन्हें अब पता चल गया है कि डिफेंडर्स कैसे डिफेंड करते हैं. मे बी वो डाउन कर सके. फ्रैक्स निकोटीन को डाउन किया, शो स्टॉपर लेके आ गए बट किल नहीं ले पाए. ये गया पेन शेल. मैडी ऑन डिफ्यूज, 3v2 की सिचुएशन. रियोशी ने फ्रैक्स को डाउन किया, 1v2 की सिचुएशन. 1v1 की सिचुएशन. क्रिस ने रिवाइव दे दिया है मैडी को. अनफॉर्चुनेटली सोवा वाज ऑन लो हेल्थ, रियोशी वाज सो ऑन लो हेल्थ कि बहुत ही इवन तरीके से क्रिस ने उन्हें डाउन किया व्हाइल रिवाइविंग मैडी. इवन इफ मैडी, मतलब क्रिस को अगर रियोशी ने डाउन कर भी लिया होता, मैडी किल ले लेते. डिफेंडर्स के लिए ये राउंड बहुत ही फायदेमंद साबित हो गया, उन्होंने बहुत इवन तरीके से डिफेंड किया है. टीम रेस नीड्स टू गेट बैक इन द गेम. वही गेम प्ले दिखाना पड़ेगा जो वो पिछले राउंड से दिखाते आ रहे हैं. TFL बहुत ही तगड़ी डिफेंडिंग टीम साबित हो रही है टीम ब्रिट्स के लिए. हैवी बाय फॉर ऑल ऑन द अटैकर्स. हैवी शील्ड पे आ गए हैं फाइनली. इकोनॉमी इतनी स्टेबल हो गई थी कि वो हैवी शील्ड एंड हैवी बाय पे आ गए. अटैकर्स ऑन द अदर हैंड, डिफेंडर्स ऑन द अदर हैंड आर ऑन हैवी बायस. उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी है इवन फॉर द नेक्स्ट राउंड. तो अटैकर्स को ये राउंड जीतना होगा वरना उनके लिए बहुत डेडली हो सकता है. ऑपरेटर के साउंड, सैविज ने फ्रैक्स को डाउन किया. सैविज को थोड़ा सा झटका पड़ा सोवा के डांट से. लेजी ने ओरिचिमारी को डाउन. मैडी ने निकोटीन को. 3v4 की सिचुएशन, 3 ऑन द डिफेंडर्स, 4 ऑन द अटैकर्स.
अटैक का थोड़ा पल्ला भारी। स्प्लिट शॉट ने क्रिंस को डाउन किया। ओमेन का बहुत अच्छा टेलीपोर्ट का यूज उन्होंने फेक किया, थोड़ा सा कंफ्यूज किया डिफेंडर्स को। मैडी ने स्प्लिट शॉट को डाउन किया। रियोशी ने निक्स को। वन वी टू की सिचुएशन, मैडी ने बहुत ही अच्छे तरीके से टीआर लेजी को स्पॉट किया, बट रियोशी ने बहुत ही अच्छा किल लिया मैडी को डाउन करके अटैकर्स को। उन्होंने इस बार राउंड जिता दिया। वेल प्लेड, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन। 7 फॉर द डिफेंडर्स, 2 फॉर द अटैकर्स। टीम रेड्स आई थिंक फाइनली कम बैक दे रही है। रियोशी का बहुत इवन गेम प्ले। Standing ahead. मैडी का बहुत ही खूबसूरत हेडशॉट टीआर लेजी को डाउन कर दिया। रेना अब उनके क्रॉसर में आ सकते हैं क्योंकि स्पाइक तो वहीं ड्रॉप्ड है। बहुत अच्छा ब्लाइंड, रेना ने ब्लाइंड करके मैडी को किल नहीं दे दिया, उल्टा स्पाइक लेके वो चले गए वहां से। निकोटीन बहुत अच्छे क्रॉसर प्लेसमेंट में, अगर मैडी अनफॉर्चुनेट पुश करते हैं या तो वो मरेंगे या तो निकोटीन उन्हें डाउन करेगा। अटैकर्स में सिर्फ 3 लेफ्ट, पर 2 ड्यूलिस्ट होने की वजह से चांसेस है कि वो बहुत अच्छे से अटैक कर पाए। ओमन का अल्टीमेट डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अटैकर्स प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो डिफेंडर्स को अपनी तरफ आने से थोड़ा रोक सके, ताकि वो थोड़ा साइट ए रोटेट करके पुश कर सके। 30 seconds are left. या तो स्पाइक प्लांट होगा या तो किल्स निकालने पड़ेंगे। ओरिचिमारू ने बहुत अच्छे तरीके से सैविज को डाउन किया, पर निकोटीन ने ट्रेड ऑफ करके ओरिचिमारू को डाउन करके डिफेंडर्स ने राउंड जीत लिया। निक्स ने जो आखिरी किल ली वो डिफेंडर्स के लिए बहुत फायदेमंद हो गई। 8 फॉर द डिफेंडर्स, 2 फॉर द अटैकर्स। गेम गैप बहुत ज्यादा हो गया है। टीम रिड्स को कम बैक करना पड़ेगा, वरना गेम प्ले बहुत बहुत हैवी है फॉर द डिफेंडर्स। उनके लिए इतना इजी हो गया ये राउंड, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मार्जिन ज्यादा गैप से हैं। मैडी विथ 14 किल, फ्रैक्स ऑन 10, दोनों ही टॉप फ्रैगर फ्रैगिंग कर रहे हैं। रियोशी ऑन द अटैकर साइड इज विथ 11 किल्स, टॉप फ्रैग कर रहे हैं अपनी टीम में वो। मैडी ने टीआर लेजी को फिर से बहुत इवन हेडशॉट दिया। रियोशी का ड्रोन आया है साइड बी पे इन होप्स कि वो किसी को डिटेक्ट कर ले। सैविज इज आल्सो डाउन। फ्रैग्स ने जो सैविज को डाउन किया, रेज वर्सेस रेज, एंड इट वाज एन अमेजिंग किल। आउट ड्रोन का यूज, 5 फॉर द डिफेंडर्स, 3 ऑन द अटैकर साइड लेफ्ट। साइड बी पे वापस एंट्री, बहुत अच्छा ब्लाइंड का यूज, रकनिंग डार्ट एंड रियोशी ऑन जज। क्लोज कॉम्बैट के लिए तैयार, बट ओरिचिमारू ने स्प्लिट शॉट को डाउन कर दिया। स्पाइक निकोटीन ने प्लांट तो कर दिया है, बट फ्रैग्स, निकोटीन ने जो फ्रैग्स को उड़ाया शरीफ से, अमेजिंग किल। मैडी का निकोटीन को ऑपरेटर से किल लेना, बहुत एवन। रियोशी को डाउन किया उन्होंने। ओरिचिमारू ऑलरेडी डिफ्यूज द स्पाइक। डिफेंडर्स ने ये राउंड जीत लिया। मार्जिन हैज इंक्रीज्ड, बहुत टफ है टीम रिड्स के लिए। लास्ट राउंड आ गया है बिफोर स्विच, एंड अगर अभी भी टीम रिड्स ये राउंड ले लेती है तो उनके लिए जब राउंड स्विच होगा तो ऑन अ डिफेंडिंग साइड वो अपना गेम प्ले दिखा सकते हैं। दे आर रियली गुड एट डिफेंस, और उनकी टीम मेटा जो है वो डिफेंस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। टीम रिड्स माइट बी एबल टू कम बैक, उनके पास चांस है कि वो कम बैक दे सकती है।
मैडी अब तक सिर्फ 6 बार मरे हैं ऑपरेटर के साथ. बहुत इवन गेम प्ले दिखा रहे हैं वो ऑन साइड स्प्लिट. ओमेन अगेन साइफर ओरी चारू ने पर निकोटीन को डाउन कर दिया. सैवेज ने ओरिची मारू को स्पाइक प्लांट हो गया. रियोशी का अल्ट यूज एंड जो फ्लैक्स को उन्होंने अल्टीमेट से डाउन किया. हंटर्स फ्यूरी का तो फ्यूरियस किल. 3v4 की सिचुएशन. अटैकर्स ऑन 4 डिफेंडर्स ऑन 3. सैवेज ने ग्रिंस को डिटेक्ट कर दिया था पर स्प्लिट शॉट ने किल ले लिया. सैवेज किल्ड मैडी एंड इट्स 1v4. अटैकर्स का पल्ला भारी. सिर्फ सिर्फ अभी सिर्फ एक ही एजेंट बचा है रियोशी ऑन द अटैकर्स. स्प्लिट शॉट ने निक्स को डाउन कर दिया. अटैकर्स ने राउंड जीत लिया. स्विचिंग साइड्स एंड टीम रिट्स ने ये गेम अपने नाम कर लिया. लकी फॉर देम उन्होंने लास्ट राउंड जीत लिया. अब हुई है अटैकर्स एंड डिफेंडर्स का स्विच. इस बार टीम रिट्स करेगी डिफेंड और अटैक करेगी मैरी की टीम PFL. मैरी विद 17 किल हाईएस्ट फ्रैगिंग एंड रियोशी विद 12 हाईएस्ट फ्रैगर ऑन द नाउ ऑन द अटैकर साइड. तो टीम रिट्स में रियोशी के 12 किल पे बहुत अच्छे गेम प्ले दिखा रहे हैं वो एज सोवा. 9 पॉइंट्स फॉर टीम PFL एंड 3 फॉर टीम रिट्स. अगर रिट्स इस बार डिफेंस पे बहुत अच्छा दिखाती है तो उनके लिए ये लकी साबित हो सकता है ये राउंड. टीआर लेजी ने मैडी को डाउन कर दिया. मैडी के डाउन होने के बाद बहुत इजी हो जाता है गेम को अपने हिसाब से खेलना. आई थिंक टीआर लेजी और रियोशी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. निक्स की थोड़ी हेल्थ डाउन. सैवेज ने ओरिचिमारु को जो डाउन किया और निक्स को डिफेंड बहुत अच्छा एवन कर रही है टीम रिट्स. सैवेज ने फ्रैक्स को डाउन किया. रिट्स इज बैक विद देयर गेम प्ले. टीम रिट्स ने बहुत अच्छे से डिफेंस जो किया है इस राउंड बहुत ही कमेंडेबल. उनके पास अब इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो चुकी है. 4 राउंड्स उनके नाम. 9 फॉर द टीम PFL. गेम प्ले थोड़ा चेंज हो रहा है. गैप अब आई थिंक क्लोज होगा. डिफेंस में आई थिंक टीम रिट्स हैज मच मोर कंट्रोल. उनके पास अब कंट्रोल है कि वो गेम अपने हिसाब से कर पाए. दे हैव द एडवांटेज कि उनके पास साइफर है, उनके पास ओमेन है एंड उनके पास सोवा है. तो डिफेंस में वो तगड़ी टीम साबित हो सकती है. मैडी ने सैवेज को अनफॉर्चुनेटली डाउन कर दिया. मैडी का पुश थोड़ा अनफॉर्चुनेट साबित हो गया. Here. TFL बहुत ही अच्छे तरीके से साइड पे एंट्री लेते हुए. फ्रैक्स ने निकोटीन को डाउन किया. स्प्लिट शॉट ने ओरिचिमारु को 4v3 की सिचुएशन आ गई है. टीम रिट्स डिफेंस पे निक्स ने अनफॉर्चुनेटली प्लान कर दिया. टीम रिट्स को सिर्फ अब डिफेंड करने के लिए क्विक आना पड़ेगा वरना अटैकिंग टीम ये राउंड ले जाएगी. निक्स ने ऑलरेडी ओमेन को डिटेक्ट कर चुका है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने शॉक डार्ट से लेजी को डाउन कर दिया और अटैकर्स को राउंड जिता दिया. 10 फॉर द अटैकर्स, 4 फॉर डिफेंडर्स. अगर टीम रिट्स चाहती है तो उनके पास यही अपॉर्चुनिटी है कमबैक करने की, क्योंकि अगर राउंड ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे उनके पास सिर्फ 3 पॉइंट बचे हैं और वो ये वाला मैच जीत सकते हैं. तो अगर वो TFL को हराना चाहती है तो उनके पास यही टाइम है. वो कमबैक दें, बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक दें और उन्हें एंट्री देने से रोके. अटैकर्स को सिर्फ एंट्री देने से रोके. लाइट बाय विद सैवेज ऑन मार्शल. डिफेंडर्स के लिए शायद मार्शल फायदेमंद साबित हो सकता है. फ्रैक्स ने टीआर लेजी को डाउन कर दिया. टीम रिट्स में एक एजेंट डाउन. अटैकर्स में 5 एजेंट अलाइव.
ओमेन के डाउन होने से स्पोक्स थोड़ा गायब हो जाता है, उसकी वजह से डिफेंस में थोड़ी इशू आ सकती है। मैडी ने रियोशी को डाउन कर दिया। मैडी एज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग गेम प्ले दिखाते हुए 5v3 की सिचुएशन। निक्स प्लान कर रहा है, सैवेज के पास मौका है वो साइड एंटर कर ले। मैडी को उन्होंने डिटेक्ट कर दिया था, पर मैडी ने बहुत अच्छे तरीके से स्पेक्टर से सैवेज को डाउन कर दिया। फ्रैक्स ने निकोटीन को डाउन किया जो सिर्फ शेरिफ के साथ थे, अनफॉर्चुनेटली बट फॉर्चुनेटली फ्लॉलेस गेम प्ले बाय टीम TFL। TFL विद 4 TFL विद 11 एंड टीम रिच विद 4 पॉइंट्स। मैडी एज ऑलवेज हाईएस्ट फ्रैग विद 21 किल्स एंड TR Yoshi विद 13। दोनों ही टीम में बहुत अच्छे फ्रैग्स ले रहे हैं। कोऑर्डिनेशन दोनों की बहुत अच्छी है, बट थोड़ी इशू आ रही है एंट्री पॉइंट्स में, क्योंकि मैडी उन्हें पुश करने नहीं दे रहे। अनलेस एंड अनटिल टीम रिट्स मैडी को डाउन करके TFL को थोड़ा वीक बना दे, इशू हो सकती है उनके साइड पुश करने में। टी अटैकर्स की थोड़ी लाइट वाइज है, स्पेक्टर्स एंड स्ट्रिंगर्स पे हैं, पर हैवी शील्ड है। ऑन द अदर हैंड डिफेंडर्स के पास हैवी शील्ड हैवी बाइज हैं, तो शायद डिफेंडर्स के लिए ये राउंड बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि 4v4 की सिचुएशन आ गई है। उन्होंने डिफेंडर्स और अटैकर्स में एक एक एजेंट कम कर दिया। 2v2 की सिचुएशन, 1v2 की अटैकर्स में सिर्फ अब एक एजेंट बचा है, दैट इज क्रिंस। रियोशी और लेजी अगर अपना बेहतरीन गेम प्ले दिखा दे तो वो क्रिंस को डाउन करके डिफेंडर्स को ये राउंड जितवा सकते हैं। ऑल ड्रोन से डिटेक्ट करने की कोशिश, बट उन्हें नहीं पता कि क्रिंस क्रीप करते हुए ओमन की तरफ आ रहे हैं। लकी फॉर हिम ओमन ने डिटेक्ट कर लिया है, एंड बहुत ही खूबसूरती से लेजी ने जो मार्शल का शॉट लेके क्रिंस को डाउन किया। अटैकर्स को मौका नहीं दिया, उन्होंने एटलीस्ट ये राउंड अपने नाम कर लिया। 5 फॉर द डिफेंडर्स, 11 ऑन द अटैकर्स। टीम रिच का बेहतरीन गेम प्ले। Savage ने क्रिंस को शो स्टॉपर से डाउन किया। Savage ने फ्रैक्सी को भी डाउन कर दिया फैंटम से, एंड मैडी को भी। 2 लेफ्ट ऑन द अटैकर्स, डिफेंडर्स शायद ये राउंड जीत जाए और बैलेंस कर दे थोड़ा सा गेम प्ले। शॉक डार्ट की एंट्री, ये आया ड्रोन, बट अनफॉर्चुनेट फॉर सैवेज, उनका जंप करके आना दोनों ही ओमेन और सोवा के क्रॉस हेयर में प्लेसमेंट हो गया। सोवा वर्सेस सोवा, रियोशी एंड निक्स का गेम प्ले देखना पड़ेगा कैसा हो सकता है। निक्स ने स्प्लिट शॉट को डाउन कर दिया। स्प्लिट शॉट बहुत अच्छे से उनको फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे कि वो उन्हें बैकस्टैप करे, बट अनफॉर्चुनेट फॉर हिम नहीं हो पाया। 38 सेकंड्स अभी भी बचे हैं, निक्स के पास बहुत अच्छा टाइम है कि वो प्लांट कर दें, बिकॉज रियोशी को रोटेट करके आना पड़ेगा उनके पास। 30 सेकंड्स लेफ्ट, रियोशी समझ गए हैं स्पाइक बी प्ले प्लांट हो रहा है। दोनों सोवास की हेल्थ थोड़ी लो है, बट लकी फॉर रियोशी वो निक्स ने साइड छोड़ तो दिया है, बट अनलकी टू बिकॉज निक्स के पास उनका अल्टीमेट हंटर्स फ्यूरी रेडी है। अगर गलती से भी वो स्पाइक डिफ्यूज करते हैं तो सिर्फ निक्स को यही करना है कि उन्हें अपनी हंटर्स फ्यूरी निकालनी है और डिफ्यूज करते हुए रियोशी को किल कर देना है। निक्स अपना अल्टीमेट यूज नहीं करना चाह रहे, वो से चाह रहे कि वो टाइम डिले करवाएं, एंड एज थॉट रियोशी ने स्पाइक डिफ्यूज नहीं कर पाए, उन्हें बैक ऑफ होना पड़ा, गन सेव करनी पड़ी, क्लच हो गया अनफॉर्चुनेट फॉर देम। मैच पॉइंट का टाइम आ गया है, टीम रिच थोड़े बैक एंड पे चली गई है, उनके लिए टफ हो गया है अब गेम प्ले को वापस लाना। 12
P5 चांसेस है कि वो ये राउंड भी जीत जाए, बट टीम TFL का पलट बहुत भारी है, वो ये राउंड बहुत आसानी से टेक कर सकते हैं। अटैकिंग में वो बहुत क्विक हैं। सैविज लो ऑन हेल्थ पर अपना वो बूम बॉट छोड़ करके प्रिवेंट करना चाह रहे हैं साइट ए पे एंट्री। ओरिचिमारु का अल्टीमेट, उन्होंने अल्टीमेट यूज करके साइट पे एंट्री ले ली है। ओरिचिमारु ने बहुत अच्छे तरीके से लेजी को डाउन किया, साइट पे एंट्री दे दी है। अब वो बैक स्टेप पे निकलेंगे। अब समझ आया क्यों अल्टीमेट निक्स ने अल्टीमेट को रोका था, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हंटर फ्यूरी यूज करते हुए सैवेज को डाउन किया। रियोशी ने निक्स को स्पाइक प्लांट हो चुका है, 3v3 की सिचुएशन। रियोशी का रेकॉन डार्ट का यूज, शो स्टॉपर का यूज, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रैक्सी का शो स्टॉपर सिर्फ निकोटीन को हटा पाया। रियोशी ने फ्रैक्सी को डाउन करके ये राउंड डिफेंडर्स को जितवा दिया। टीम रिट्स का बहुत अच्छा गेम प्ले, 12 फॉर द अटैकर्स, 6 फॉर द डिफेंडर्स, टीम रिट्स आर बैक इन देयर गेम। बहुत ही उम्दा गेम प्ले रियोशी का, 17 किल्स पे टॉप फ्रैगर अपनी टीम के लोना, एंड सैवेज का 14 पे, एंड स्प्रिट शॉट का 13 पे होना बहुत ही कमेंडेबल। TRLZ का आई थिंक सपोर्टिव, इतना इवन गेम प्ले करते हैं वो, आई थिंक जिस भी एजेंट लास्ट बचता है TRLZ का उनके साथ कोऑर्डिनेटेड गेम प्ले बहुत फायदेमंद हो रहा है। निकोटीन का क्विक फ्लैग्स निकाल देना, अगर क्रॉस है मतलब क्रॉस गेम प्ले दिखाते हैं वो अपने एजेंट के साथ, बहुत ही अच्छा रहता है। सैवेज एज यूजुअल बैक विद द ऑपरेटर, उन्होंने सेव किया था ऑपरेटर के लिए, अब शायद हमें बहुत एवन गेम प्ले देखना पड़ जाए। मैडी एंड सैवेज अगेंस्ट ईच अदर, दोनों ही ऑपरेटर एंड मार्शल्स के साथ एवन खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली सेज इज डाउन ऑन द अटैकर साइड, मैडी प्लांट कर रहे हैं डिफेंडर्स में, सैवेज डाउन हो चुके हैं, 4v4 की सिचुएशन। रियोशी ने जो मैडी को डाउन किया बहुत ही A1, स्प्लिट शॉट ने ओरिचिमारु को, 2v1 की सिचुएशन, 1v1 की सिचुएशन, फ्रैक्स ही बस बचे हैं। ओ अटैकर्स का बहुत A1 गेम प्ले, फ्रैक्स ने जो पिंचल का यूज करके रियोशी को डाउन